ओके गुड इवनिंग एवरीवन। ओके सबसे पहले तो प्रोग्राम के बारे में सारा डिटेल पता है आप लोगों को, एक बार जनरल इंट्रोडक्शन लूँगा बस, ठीक है। बैड भाग तो मैं ले नहीं सकता, आंसर से मैं समझ जाऊँगा आप लोगों को, बस अपना नाम बता देंगे, नाम बस बताएंगे। कुलदीप आपका तो पता है मुझे, कमलेश जी, नेहा अग्रवाल, ओके मोनिका, आप परमेश्वर, आप तो आए थे ना, आपका हेमलता श्रीवास, मिली मोहनीश, ओके आपका राजीव शेठिया, उधर तो पता है गुलशन आदित्य, आपका प्रवीण मधुकर, ओके चलिए पूरा एग्जाम। पहले तो मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ करूँ, थोड़ा सा CGPSC के बारे में बताऊँगा, ठीक है, और फिर हम लोग आंसर राइटिंग पे जंप करेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम पे सबसे पहली बात, हम लोग उस चीज़ को फोकस करने वाले हैं जो PSC के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और फोकस एरिया क्या है, 1400 मार्क्स जो हमारा मेन्स आंसर राइटिंग है, ठीक है ना। वो 1400 नंबर ही आपका पूरा लाइफ को सब कुछ डिसाइड करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो फोकस एरिया हमारा 1400 मार्क्स है, पर इस 1400 मार्क्स तक तभी पहुँचेंगे जब प्रीलिम्स क्लियर होगा, ये भी सच्चाई है। अदर ग्राउंड तो हम सिर्फ और सिर्फ मेन्स की तैयारी करते रहें और हमारा प्रीलिम ही क्लियर ना हो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए तैयारी करने के लिए क्या कुछ अलग पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, मेंस में जो है वही प्रीलिम्स में है। थोड़े से फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चाहिए प्रीलिम्स में, वो भी अब PSC ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम कर दिया है, जैसे वो किस पर आ गया है, एनालिसिस वाले क्वेश्चन पर आ गया है। तो जितना अच्छा आपका मेंस का कमांड होगा उतना अच्छा प्रीलिम्स बनेगा। मेंस के जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो पेपर 7 पार्ट 1, पेपर 7 पार्ट 2, पेपर 4 पार्ट 3, ठीक है, इसके साथ साथ पेपर 3 पार्ट 2, ठीक है। ये मेंस की स्पेसिफिक अलग से सब्जेक्ट है, पेपर 7 पार्ट 1, पेपर 7 पार्ट 2, पेपर 4 पार्ट 3 अप्लाइड बिहेवियर साइंस, और पेपर 3 पार्ट 2 जो कि क्या है, पबेड, पॉलिटी को नहीं बोल रहा, पबेड को बोल रहा हूँ। ये वो सेक्शन है जो आप मेंस से पढ़ते हैं, प्री में छोड़ के जाते हैं। पर सरप्राइज हो गया आप कि अभी जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से इन सबको मिलाकर, ये सारे सेक्शन को मिलाकर देयर आर 8 क्वेश्चंस, और अगर करंट को देख लेंगे तो 9 क्वेश्चन थे। तो ये एडवांटेज देता है आपका मेंस, जब आपका तैयार अच्छा होता है तो प्री में अपने आप, और आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में अगर तैयार होगा तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको समझ आएगी। जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो ज़्यादा देर के लिए रिटेन होगा, बजाय उसके कि आप सिर्फ उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए पूरा फोकस क्या है कि हम लोग उस 1400 मार्क्स को टारगेट करेंगे, पर किसी भी पॉइंट पे हम प्री को क्या नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसलिए प्रीलिम्स का एक टेस्ट सीरीज रखा हुआ है इसके साथ साथ, तो जो यहाँ पर पढ़ोगे आप उसी चीज़ का प्री की तैयारी करोगे, अलग से नहीं। क्या करना होगा, यहाँ जो पढ़ाऊँगा समझे अच्छे से, आंसर राइटिंग किए, आप ऑब्जेक्टिव का एक बुक उठाएंगे, ठीक है, और केवल जैसे कि आप सपोज करो हमने छत्तीसगढ़ हिस्ट्री ख़त्म करते हैं एंशियंट, आप ऑब्जेक्टिव की किताब से उतना का सॉल्व कर लो, खाली उन क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव की बुक में सॉल्व कर लो, और आपको अलग से प्री के लिए पढ़ना नहीं है, और संडे को आके आप टेस्ट दे दो, उससे क्या होगा, प्री अपने आप तैयार हो जाएगा, आपको उसके लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, एफर्टलेसली प्री तैयार हो जाएगा और एक तरफ आपका मेंस चलता रहेगा, ठीक है। तो मेंस को पहले पास तो ये फोकस, और फोकस हमारा 1400 मार्क्स का जो है, तो इस फोकस को पहले थोड़ा सा समझो अच्छे से, ठीक है ना। एक ब्रीफ कर रहा हूँ आपको कि मेंस की तैयारी में आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, आपका माइंड कैसा होना चाहिए, आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हमको अप्रोच करना है। गर्मी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, हाँ बोलो यार, क्या बोल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे, एक दो दिन बाद ठीक हो जाएगा वैसे माहौल, ठीक है। तो क्या करना होगा आप लोगों को, सबसे पहली बात इस 1400 का पहले डिवीज़न को अच्छे से समझना है। डिवीज़न वो नहीं जो पेपर में है कि हर पेपर आपका 200 नंबर का, ऐसा नहीं, कुछ और तरीके से बता रहा हूँ, एक नया तरीके का डिवीज़न को आपको बता रहा हूँ। एक होता है आपका छत्तीसगढ़ GS, CGGS, इसका वेटेज पूरे PSC में लगभग 480 मार्क्स का होता है, 480 नंबर का छत्तीसगढ़ GS आता है, जो हर पेपर का पार्ट 3 है, लगभग सभी पेपर का पार्ट 3 छत्तीसगढ़ GS है, जो लगभग 480 मार्क्स का दिखेगा आपको। इसके बाद लैंग्वेज और बेसिक साइंस प्लस मैथ्स, ये जो है, ठीक है ना, तो ये तीनों मिलाकर लगभग कितने नंबर के आते हैं, 325 मार्क्स के, 325 मार्क्स।
फिर जर्नल जीएस जिसमें आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब रही चीज़ आते हैं, ठीक है। फिर एक सेक्शन बनता है आपका जनरल जीएस का, ठीक है, और एक सेक्शन बचता है एडवांस सिलेबस जो हमारे सब्जेक्ट का है, ठीक है। ये जो एडवांस सिलेबस आप देखोगे तो ये लगभग 300 मार्क्स के आसपास ही, ज़्यादा नहीं है। होता क्या है मेंस के टाइम पे लोगों का फोकस इसमें होता है, बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि हम फिलॉसफी पढ़ लेते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ लेते हैं, समाजशास्त्र पढ़ लेते हैं, दर्शन पढ़ लेते हैं, पेपर सात की तैयारी नहीं कर लेते हैं अपने जनरल पार्ट को वीक करके। पर आप साल भर जनरल पार्ट की अच्छी स्टडी कर रखे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये पोर्शन है इम्पॉर्टेंट, पर मैं ये नहीं बोलता कि इसको एकदम से आप इसके पीछे ही भाग जाओ। स्ट्रेटजी पहले क्लियर होना चाहिए कि कैसे मैं 900 या 1000 मार्क्स तक पहुंच पाऊंगा, हाउ आई कैन रीच द 900 टू 1000 मार्क्स। एंड स्ट्रेटजी इज़ वेरी सिंपल कि आपको पहली बात तो कोई भी तीन पेपर, मैं यहाँ पर आपको पूरा कराऊंगा, बट आप तीन पेपर को टारगेट करो अभी से। टारगेट करो मतलब आप उसको थ्रू आउट द ईयर कुछ टाइम निकालेंगे अलग से क्लास का काम और सबको छोड़कर, एक आध डेढ़ घंटे का, और वहाँ पर वो तीन पेपर की स्टडी कंटिन्यू करेंगे। और वो तीन पेपर वो होने चाहिए जिस पेपर में आपको एग्जैक्ट मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे लैंग्वेज ग्रामर को अगर आपने सही लिखा तो नहीं कटेगा, ठीक है। मैथ्स अगर आपने सही सॉल्व किया तो 50 आउट ऑफ 50 ही मिलेगा, 50 में आपका 49 नहीं कर सकता, समझ आ रहे हैं। तो इसीलिए जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें से खासकर आपका लैंग्वेज का पेपर, एक ऐसे का पेपर है इसको अभी नहीं करना है, इसको मैं कराऊंगा, उसके साथ आप करोगे काफ़ी अच्छे लेवल पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और तीसरा आपका जो मैथ्स और साइंस का पेपर जनरल साइंस वाला, अप्लाइड मत करना उसमें से, अप्लाइड यहाँ पर मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये जो तीन पोर्शन है इन तीनों पोर्शन को आप रेगुलर अपने स्टडीज़ का हिस्सा बनाओ। आप समय निकालो कैसे भी करके, आधे घंटे एक घंटे का, वन आवर का ही निकालो, पर डेली पढ़ो इसको थ्रू आउट द ईयर। किसी चीज़ के ऊपर अगर आपका मेहनत होगा ना किसी भी विषय पर, वो विषय बाकी से स्ट्रांग होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है ना। तो आप डेली बेसिस पे लैंग्वेज ऐसे और ये तीनों चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करो अभी से। क्लास के साथ तो चलना ही चलना है, पर आपको अलग से करना है। मैं उनमें से बिल्कुल वो नहीं होगी जो ये बोल देगा कि बस मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहो, मैं वैसा नहीं करता। मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताऊँगा जिससे आप पास होगे, क्लियर हो रहा है। लास्ट में क्या होगा, पैनिक नहीं करोगे कब, प्री के टाइम पे। अगर आपका लैंग्वेज अच्छे से तैयार होगा आप प्री में पैनिक नहीं करने वाले कि यार मैं सीसेट नहीं पढ़ाऊँ, तो जीएस में फिर आपको लगेगा कि नहीं लास्ट तक मैं जीएस को समय दे सकता हूँ, लास्ट में ये हो जाता है दिक्कत, ठीक है ना। तो वो उस चक्कर में मत फंसना। अब देखो छत्तीसगढ़ जीएस 480 मार्क्स का आता है, लगभग 325 मार्क्स का लैंग्वेज होता है, और उसके बाद इसी तरीके से 450 के आसपास जनरल जीएस होता है। ये तीनों मिलाकर ही आपका 1200 मार्क्स के आसपास पहुंच जाते हैं, 1150 से 1200 मार्क्स तक आ जाते हैं। और रिमेनिंग पोर्शन जो है फिलॉसफी सोशियोलॉजी पबेड वो सब आते हैं उधर। गलती ये हो जाती है लोग इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, आज के डेट में CGPSC वाले इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, उतना नहीं करना, वहाँ पर सेलेक्टिव रहना है। उसके लिए मैं यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक एक वीक डेडिकेट कर दिया हूँ, ठीक है ना, अच्छे से आपको आ रहा, पूरा एक एक हफ्ता इसमें डेडिकेटेड है। उसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, इवन फिलॉसफी के लिए 2 हफ्ते दे दिए, उसमें मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा उसके आंसर्स बस आप याद कर लेना लिखकर समझकर यहां से, ठीक है, और दैट विल बी इनफ फॉर यू। उसके बाहर एक लाइन मत पढ़ना फिलॉसफी सोशियोलॉजी, मेहनत करना ही नहीं उधर, और बिलीव करके चलना बस मेरे ऊपर, आपका क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन आएगा एग्जाम, इतना बस ट्रस्ट रखना आप, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर उतना नहीं, यहाँ घुसना ही नहीं, फंस जाओगे। इस पर जितना अच्छा मेहनत करोगे आपका उतना रेंज बनेगा कि 900-1000 मार्क्स को आप टच करोगे, और उससे फिर हम लोग एवरेज भी 150 या 120 तक भी स्कोर करते हैं तो भी हम सेफेस्ट साइड में होकर एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो आप पहले तो अपना स्ट्रेटजी ये क्लियर रखो कि मेरे को ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी है क्योंकि ये आपके रिच में है, ये तो मैं करा ही रहा हूँ, ये भी आप पढ़ते हैं अच्छे से, है ना, और बाकी इस पर। तो फर्स्ट थिंग तो ये आएगा कि आपको पहले सिलेबस को इस तरीके से आप समझो, एकदम से ऐसा नहीं घुस जाना कि बस मेरे को पेपर वन में पहले पढ़ लूँ, फिर मैं पेपर टू पूरा देखूँगा, फिर मैं पेपर थ्री पूरा देखूँगा या देखूँगी, फिर पेपर फोर देखूँगी, ऐसा नहीं करते, वो एक बहुत गलत स्ट्रेटेजी हो जाएगा। उसमें ये होगा कि जब तक आप पेपर वन पूरा पढ़ के खत्म होकर पेपर टू पढ़ रहे होंगे तो पेपर वन भूलने लगेंगे, जब आप पेपर थ्री में आएंगे तो पेपर वन पूरा आपके दिमाग से जा चुका होगा, तो वो अप्रोच में नहीं बनेंगे। आंसर राइटिंग एक अलग चीज़ है ना, आंसर राइटिंग तो हम कर रहे हैं वहाँ पर, तो हम एक एक चीज़ को समझेंगे, पर आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आंसर राइटिंग के साथ साथ थोड़ा सा इसका फोकस आप लोग अपने तरफ से रखना, लैंग्वेज को आप लोग एकदम रेगुलर करो, बाकी इसके लिए मत टेंशन लो, इसके लिए टेंशन मत लो, ये तो आपके आंसर राइटिंग में आ रहा है, लैंग्वेज भी है, पर लैंग्वेज क्या हो रहा है वीकेंड में एक एक टेस्ट हो रहा है, दो दो हफ्ते में,
ठीक है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, लैंग्वेज को शुरू से इंट्रोड्यूस कर दिया कि आपका लैंग्वेज आप रेगुलर पढ़ो, हर दूसरे हफ्ते में एक लैंग्वेज का टेस्ट है, उसको जानबूझ के वैसे डाला गया है कि आपका लैंग्वेज में रेगुलरिटी बना रहे। एक हफ्ते लैंग्वेज में रख देता, अब संज्ञा सर्वनाम सब पढ़ के एक हफ्ते में टेस्ट दे देते, अब दो हफ्ते बाद भूल जाते, पर रेगुलर आते जाओगे तो धीरे धीरे हिंदी अच्छा डेवलप हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी अच्छा डेवलप हो जाएगा, समझ आ रहा है। इसलिए उसको ऐसा बनाया जाता है, तो वैसा टेस्ट डिज़ाइन है, ठीक है। तो पहली बात तो हमारा फोकस एरिया ये होगा, जो भी आप प्लान करोगे उसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे, और हर सिलेबस का भी ब्रेक है, एक एक सिलेबस, जैसे अपने एंशियंट हिस्ट्री उठा लिए या पॉलिटी उठा लिए, कोई भी सब्जेक्ट, तो उसका भी क्या होता है, छोटे छोटे हिस्से हैं आपके सिलेबस में, जैसा हिस्सों को डिज़ाइन किया गया है उन हिस्सों को समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन ऐसे नहीं बन जाता कि आपका सिलेबस उठाया और कुछ भी उठा के क्वेश्चन बनाए, नहीं, वो पहले सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस अलग अलग 3 से 4 सेक्शन में बटा हुआ है, हर सेक्शन से कुछ कुछ क्वेश्चन उठाकर एक पेपर बनता है। मैं भी बनाता हूँ पेपर, तो ऐसे ही बनाता हूँ, इसलिए मैं अप्रॉक्सीमेट कर पाता हूँ कि पीएससी का जो पेपर आएगा उसको रेप्लीकेट कर पाता हूँ अपने पेपर में, इसीलिए क्योंकि कोई समझे कि जैसे कि आपका पॉलिटी वाला सिलेबस को देखोगे तो उसमें पब एड का अगर सिलेबस देखोगे तो उसके 4 हिस्से हैं, ठीक है, और पब एड टोटल 18 नंबर का आता है, तो मैंने ये देखा है कि ये जो चौथा हिस्सा इससे हमेशा 12 नंबर का आता है, और ये तीनों मिलाकर 6 या 8 नंबर के ही आते हैं, तो उसको अगर इग्नोर भी कर देंगे तब भी आपसे क्वेश्चन बनेगा, वो मैं बताऊंगा वो कौन सा हिस्सा है, ठीक है ना। तो उस लेवल तक मैंने इसको माइक्रो एनालिसिस कर रखा है एग्जाम को, खासकर मेंस को, तो उस एनालिसिस का बेनिफिट लेना, सीखते हुए चलेंगे और 2-4 चीज़ों को ध्यान रखेंगे। पहली बात तो क्लास का जो पूरा प्रोग्राम है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फंक्शन कैसे करेगा क्लास। एक तो आपका क्लास होगा, ठीक है, तो क्लास के लिए एक अलग से कॉपी आप रखेंगे, जो भी आप क्लास में कॉपी लेकर आ रहे हैं वो लेके आइए, हो सकता है तो जो ऐसी वाली कॉपी आती है अभी एक ले लो, बाकी आप लोगों को कुछ दिनों बाद मिलेगा वो कॉपी, तो एक बहुत सारी मत खरीद लेना, एक आध ले लो, कुछ दिन बाद आपको हम लोग यहाँ से देंगे, प्रोवाइड करेंगे कॉपी, इस प्रोग्राम का हिस्सा है ना, वो भी आ नहीं पाया, चलो रायपुर से आ रहा है उसके आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आप उसको लोगे, उसमें लिखोगे साइड में, हम लोगों ने वहाँ पर कीवर्ड के लिए भी जगह छोड़ रखा है, तो वहाँ पर कीवर्ड आप अपना मेंशन कर सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें उस पर होंगी, ठीक है। तो पहली बात तो ये कॉपी बनाओगे, एक कॉपी आप घर पे अलग से असाइनमेंट की बनाना, या इसी कॉपी में भी लिख सकते हैं, पर कोशिश करो अलग से क्वेश्चन जो देंगे यहाँ पर, जैसे सपोज करो मैंने 50 क्वेश्चन दिया, 30 मैंने डिस्कस किया, 20 क्वेश्चन बहुत बेसिक थे, जैसे कि व्हाट इज़ जीडीपी, तो मैंने डिस्कस नहीं किया मान लेते हैं, वो आपको असाइनमेंट होगा, तो वो आप लिख कर सबमिट करोगे, उसको हम रिव्यू करके देंगे कि आप आंसर सही लिख रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। और बाकी चीज़ें तो मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा ही, पर कुछ चीज़ों को आप क्या करोगे, रिव्यू के लिए असाइनमेंट होगी, उसको जाकर आप घर पर लिखोगे, वन थिंग इसको ध्यान रखेंगे, क्लास का जो फॉर्मेट है, इसके साथ साथ जो टेस्ट इंक्लूडेड है, जो भी टेस्ट है, टेस्ट के बाद एक डिस्कशन होगा, प्री का डिस्कशन टेस्ट के तुरंत बाद होगा, मॉर्निंग 9 से 11 प्री की टेस्ट होगी, 9 to 11 प्रीलिम्स का टेस्ट होगा, और सॉरी 11 और 11 से लगभग 12:15 या 12:30 तक इसका डिस्कशन होगा। प्री का डिस्कशन ज़रूरी है इसलिए भी कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो सॉल्व उसमें गलती कहाँ पे करते हो आपको पता चलना चाहिए। एग्ज़ाम में आप सही क्वेश्चन, जो हार्ड क्वेश्चन, उससे कभी फेल नहीं होते, आसान क्वेश्चन में किए हुए गलतियों से फेल होते हैं, ये मेरे एकदम बात को लिख लेना। टफ क्वेश्चन से आप कोई फेल नहीं होता है, टफ क्वेश्चन था इसलिए कट ऑफ जाता है कितना 70-75, क्योंकि वो क्वेश्चन किसी से नहीं बन रहा है। अब वो 75 नंबर आसान क्वेश्चन के थे, वो गलत नहीं होने थे, लोग उसमें गलती कर देने से कारण फेल हो जाते हैं, और वो सिली मिस्टेक कैसे होता है वो मैं आपको प्री में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मेंस में क्या होगा, जो टेस्ट संडे को होगा उसको नेक्स्ट संडे हम लोग क्या करेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे, सेम डे नहीं करेंगे। उसके पीछे का कारण ये रखा है मैंने, मैं रीज़न भी बता रहा हूँ, कई लोग आके मेरे से बाद में बोलते हैं सर उसी दिन कर दो, हम लोग भूल जाते हैं तब तक आंसर क्या लिखे थे, वो इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि भाई हम पहले आपकी कॉपी चेक करेंगे, कॉपी चेक करने के बाद आपकी कॉपी में रिव्यू लिखा होगा, और उस रिव्यू के साथ साथ हम डिस्कशन लेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपका नंबर कहाँ कटा है, आपको जस्टिस तो मिले ना, समझ तो आए ना कि मेरा नंबर काट लिया किस बात के लिए काट लिए, तो वो वहाँ सामने से एक्सप्लेन करेंगे, और आपका कॉपी आपके हाथ में होगा, जब डिस्कस करेंगे आपकी लिखी हुई कॉपी आपके हाथ में होगी, साइड में आप नोट कर सकते हैं कि ये पॉइंट मिसिंग है, ताकि वो आंसर बुकलेट जो होगा वो आपके पास एक प्रॉपर आंसर बनकर, और उस आंसर बुकलेट को फेंक नहीं देना है ना प्री वाले को, उस आंसर को ही फिर जाके एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है, क्योंकि वो भी आपका लिखा हुआ आंसर है, उसमें जो कीवर्ड्स आपने लिख लिए असाइनमेंट, यहाँ से आप स्ट्रक्चर सीख चुके थे, तो क्या होगा वो भी आपके हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इस पे भी आप लोग अच्छे से काम करेंगे, जो टेस्ट वाले पार्ट है, टेस्ट एवरी संडे है, सुबह 9 से 11 टेस्ट होगा, और संडे को ही इवनिंग में मैथ इसका मेंस का टेस्ट होगा, मेंस का टाइमिंग होगा 4 से 6, ठीक है।
इसमें किसी को प्रॉब्लम? कई लोग थे सर दो दो बार आना पड़ेगा क्या, एक ही बार नहीं होगा? देखो पीएससी भी दो बार लेता है, मैं तो एक ही लाइन बोलता हूँ, पीएससी दो बार लेता है। और दूसरी बात, यहाँ से देखो एकदम क्लियर कट कुछ मैसेजेस दे रहा हूँ, प्लीज़ इन मैसेजेस को लेके चलेंगे मेरे साथ, मैं पसंद करता हूँ ये सब चीज़ों को, ठीक है ना। आज मैं थोड़ा सा हेस्ट में आया हूँ क्योंकि एक एक्सीडेंट हो गया था उसके चक्कर में, ठीक है, तो थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन कल से नॉर्मली आपको प्रॉपर अच्छे से भी मिलेगा चीज़ें, ठीक है, मतलब जो सीट्स वगैरह भी मिलेंगे। चलो तो ये दो चार चीज़ों को पहले बता रहा हूँ, इनको एकदम अच्छे से समझोगे। पहला चीज़ जो हमेशा बोलता हूँ, एक्सेप्टेंस, इस चीज़ को अपने अंदर बांध लोगे एकदम अच्छे से। एक्सेप्टेंस मतलब किसी भी चीज़ के आगे बहाने नहीं देना, और बहाने अपने लाइफ में नहीं रखना, एकदम हटा दो, जस्ट अवॉइड इट। सर आंसर नहीं बन रहा है, बोलना ही नहीं है, बनेगा। दूसरी बात, नहीं लिखा तो इसके पीछे ये नहीं कि मैं कल ये कर रहा था, आपको करना है ये, सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ये आपका 8 महीने का प्रोग्राम जो है, 8 मंथ का भी नहीं, मेरे ख्याल से 6.5 मंथ्स का, ये जो 6.5 महीने का प्रोग्राम जो आप मेरे साथ करोगे, इस 6.5 महीने में आपका पर्सनैलिटी, आपकी कैरियर, आपका पूरा भविष्य बदल जाएगा, आप बदल जाओगे अगर आप उस इंटेंसिटी से कर दोगे जितना इस एग्ज़ाम की डिमांड है, और इस पे जितना मैं क्वेश्चन दूंगा, जो चीज़ें दूंगा आपको, सही बता रहा हूँ, सांस लेने का भी समय नहीं मिलेगा, और ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं, वो होगा, क्योंकि जब इनिशियल डेज में आप आंसर लिखोगे, आपको एक एक आंसर एक एक घंटे ले लेगा, तब मन टूट जाएगा कि पूरे दिन में 6 आंसर ही लिखा, मैं करूँ कि नहीं करूँ, कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। पर जैसे ही आप दूसरे तीसरे सब्जेक्ट्स में आते जाओगे, जब आपको स्ट्रक्चर पे समझ अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी, आप देखना एक एक दिन में 20-20 आंसर लिखोगे, आप बोलोगे इसको कई आंसर कैसे बोलोगे, इसका आंसर नहीं लिखता, स्ट्रक्चर मेरे को पता है, खाली कीवर्ड लिख दोगे, तो ये प्रोसेस है, ठीक है ना। तो दूसरी बात क्या है, ये प्रोसेस है, पहली बात याद रखना, पूरा एग्जाम ही प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, ये कोई एक अवसर नहीं है कि बस उस दिन होता है, नहीं, ये प्रक्रिया है। दिस एग्जाम इज अ प्रोसेस एंड नॉट जस्ट अ वन डे एग्जाम, या एक दिन के लिए नहीं होता है, और ये प्रक्रिया पूरा 1 साल 1.5 साल का होता है, कई लोग 4-4 5-5 अटेम्प्ट लेकर जाते हैं, क्लियर है। तो ये प्रोसेस में जितना आप जेन्युइनिटी से पढ़ाई करोगे, जितना सही तरीके से आप रहोगे, उतना जल्दी आप अचीव कर पाओगे, तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से करना है, प्रोसेस में एक एक पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे, पैरामीटर्स को फॉलो करते समय इंटरेक्शन ज़रूर करिए, इससे बिल्कुल साई आउट नहीं होना कि मेरे से आंसर नहीं पूछ रहा, मैं कैसे पूछूं सर से, या कैसे मैं बताऊं, क्लास में यहाँ पर कोई डाउट आ गया पूछे ही नहीं, ये सब मत करना, वो आपको पीछे ले जाएगा, मेरे को नहीं, मेरा क्या होगा, मेरा तो आगे बढ़ जाएगा क्लास। आप एक क्वेश्चन मैंने कराया, आपको नहीं आया समझ, आप फिर भी लिख लिए, पूछने का हिम्मत नहीं किए, कभी कभी हो जाता है ना, कई स्टूडेंट के साथ ये होता है, मैंने देखा है। तो मैं वैसा नहीं हूँ कि मैं आपको डांट दूंगा या बोलूँगा पर्ची दे दो, ठीक है ना, मैं बिल्कुल पर्ची वाला नहीं हूँ। डायरेक्टली आप बात करो, डायरेक्ट बात करो, जो पूछना है यहाँ पूछो, नहीं पूछ पाते ऑफिस में पूछिए, पर अपने डाउट के साथ मत रहना, क्लैरिटी लेके जाना, जितना क्लियर रहोगे उतना जल्दी एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें तो आप मेरे तरफ से रखोगे, बिल्कुल एकदम एक्सेप्टेंस रखना, प्रोसेस को फॉलो करो, और इंटरेक्शन आप हमारे साथ रखिए, अवॉइड मत करो, अपने आप को भगाओ मत। और चौथा चीज़, एश्योरेंस। और एश्योरेंस क्या है ये बता दे रहा हूँ, आप पूरी ईमानदारी से पढ़ो, अपना वर्थ प्रूफ करके दिखाओ मेरे को, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप पास होते हो फेल होते हो, मैं आपको डेफिनेटली स्टेबल करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपके साथ। अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ते हो, उसके बाद भी अगर आप फेल हो जाते हो, और आप बोलते हो कि सर मेरे को कुछ करना है, मैं डेफिनेटली आपको जगह दूंगा, चाहे ये प्लेटफॉर्म चाहिए होगा ये, इसके बाहर आप बोलोगे कि नहीं, और कहीं और भी जगह कॉन्टेक्ट से मैं आपको वहाँ तक पहुँचाऊँगा, बट प्रूफ करो अपने आप को पहले इस 6 to 8 मंथ में, ठीक है ना। तो आप ये मत सोच के पढ़ना कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे को नौकरी कैसे मिलेगी, पैसे नहीं आएंगे, घर वाले कहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सब अपने दिमाग से हटा लो, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। 6 महीने में आप पूरा बदल जाओगे, आप एक्चुअल में आपको समझ आएगा कि ये करना है नहीं करना है, एकदम सब कुछ अच्छे से आ जाएगा, बस आप अपने दिमाग से सब हटा दो, जॉब भी मिलेगा, नौकरी ज़रूर मिलेगी, और होगा तो ये एग्ज़ाम ही निकलेगा, नौकरी से पहले वो एग्ज़ाम ही निकलेगा जिसके लिए फाइट कर रहे हो, ठीक है। तो ये एश्योरेंस मेरे तरफ से है, ये 3 चीज़ आपके तरफ से होनी चाहिए, 4th चीज़ मेरे तरफ से, क्लियर है। तो ये सब चीज़ों को लेकर हम लोग चालू करेंगे। अब आता हूँ मैं सीधा सीधा आंसर राइटिंग पे, आप लोग यहाँ से कॉपी ओपन करेंगे और थोड़ा सा चीज़ों को लिखेंगे और समझ लेंगे पहले, उसके बाद मैं विषय में जाऊँगा, ठीक है। आंसर राइटिंग पे हम लोग आते हैं, उत्तर लेखन पे।
सब्जेक्ट्स वगैरह सब हो जाएंगे क्लियर, ठीक है ना। इस वीक एक क्लास एक्स्ट्रा होगी, एक्स्ट्रा होगी मतलब सैटरडे तक चलेगा, नेक्स्ट वीक से फ्राइडे तक चलेगा, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी इस वीक, क्योंकि एक ओरिएंटेशन क्लास आज हो रहा है तो इसलिए इसको मैं कंपनसेट करूँगा एक दिन। ऐसा मैं नहीं करता कि मैं एक क्लास कम पढ़ा दूँ और ज़्यादा पढ़ा के निकल लूँ, ऐसा नहीं करूँगा। तो मैं उसको डेफिनेटली कंपनसेट करूँगा, या तो देखूँगा क्लास को आधे घंटे एडजस्ट करके खत्म करा दूँगा, ठीक है, पर कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पर नहीं होगा। ओके चलिए आंसर राइटिंग को समझते हैं पहली बात। अब आप में से इतने बताओ कितने लोग मेंस लिखे हैं अभी तक इस क्लास में, ऐसा कोई डेफिनेटली होता है क्योंकि अभी आप लोग का नंबर कम है, लेकिन जो 27-18 को जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसका दिन नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और वहाँ पर फिर चार चार मेंस वाले होते हैं सीधा। अभी सब मेंस लिख रहे हैं ना, मेजॉरिटी स्टूडेंट जो एडमिशन लिए वो मेंस लिख रहे हैं, तो मेंस के बाद ही आएंगे, और बाकी आप ही हो बस अकेले। एक आप कितने बार लिखे हो? 2020 का मेंस लिखे थे। ओके, और किसी को नहीं मेंस का एक्सपीरियंस? प्री कितने लोग दिए हैं? तीन या चार बार? दो बार कितने लोग दिए हैं प्री? दो, मिनिमम टू टाइम्स, थ्री, फोर, फोर वाला कोई नहीं है, तीन वाले ही हैं। वन टाइम जस्ट अभी दिए थे आप? ओके, तो जो वन टाइम दिए हैं मेंस पढ़े हो पहले? सिलेबस कंप्लीट है आप लोगों का? नहीं, सही से बताओ, देखो चीट नहीं होने। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा हो लेकिन कंप्लीट नहीं, थोड़ा बहुत बचा है, कर लोगे ना? हाँ, आपका कहाँ क्या पढ़ा रहे हैं उन लोग? अरे उन लोग नहीं पढ़ाते मेंस, बस बुलाते हैं। मैं तो बता रहा हूँ, पिछले बार भी थे मेरे पास, बहुत सारे आए थे, अभी वो आएंगे मेंस के बाद, देखना कोचिंग छोड़ छोड़ के आ जाते हैं। कितना हो गया वहाँ बचा है अभी, कितना बचा है? टाइमिंग क्या है फिर? बस एक ही क्लास होती है? दो क्लास, एक एक घंटे की? एक घंटे में क्या पढ़ाते हैं? एक घंटे में तो दिमाग गर्म नहीं होता है, उतने में क्लास खत्म हो जाता है, उतना तो मेरा वार्म अप राउंड रहता है, ठीक है, यहाँ लंबा रहेगा क्लास। हाँ, और क्या आपका हो गया सिर्फ? ऐसा कोई है जिसने मेंस बिल्कुल नहीं पढ़ा है? ऐसा कोई भी नहीं है ना, पढ़ रहे हो ना, ठीक है। तो अगर मेंस पढ़े हो तब आपको ये बेनिफिट करेगा, एकदम से ही मेंस नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा फंस सकते हो, इसलिए बता रहा हूँ। क्लास का जो अभी चालू करूँगा, अभी मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं सच में चालू करूँगा आपको दिखेगा स्केल ऊपर है, वो रेगुलर क्लास से स्केल बहुत ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो जो प्रश्न मैं कराऊंगा उसका लेवल भी ऊपर होगा, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो तो फिर अच्छी बात है, अगर सब मेंस पढ़े हैं तो अच्छी बात है। एक बार अगर नहीं किया हो सिलेबस कवर करते चलेंगे, है ना। डरना ये नहीं है कि मेरा बिल्कुल नहीं हुआ है, यहाँ जो सब्जेक्ट चलेगा उसके साथ साथ उतने का मेंस का पढ़ते हुए चलना। ये मत सोचो कि मेरा मेंस नहीं हो तो मैं इसको नहीं कर सकती, कर सकते हैं, बस आपका एफर्ट ज़्यादा होगा कि आपको करना पड़ेगा इस पर, ठीक है। तो जो बुक्स वगैरह बताऊँगा उसको पढ़ते हुए चलेंगे साथ साथ। ओके चलो, बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहली बात कि क्या क्या आंसर राइटिंग में आप पहले फोकस रखोगे अपना हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन पेपर, जब हम लोग के हाथ में आता है ना तो क्वेश्चन को पढ़ना पहले सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले लिख लो इस चीज़ों को, और इसको ना लिखते समय याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहला लिखोगे रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, वो क्या होता है अभी समझा रहा हूँ। प्रश्नों को बिल्कुल सही ढंग से पढ़ें, हिंदी में लिखेंगे प्रश्नों को सही ढंग से पढ़ें, रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, दोनों ही चलेगा बाइलिंगुअल, ठीक है ना। मैं वो बोलूँगा बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा वहाँ पर, भले कि वहाँ पर इंग्लिश लिखा लेकिन बताते हुए चलूँगा। प्रश्नों को सही से पढ़ें, मतलब इसमें देखो दो से तीन चीज़ें आती है, हर प्रश्न में क्या होते हैं कीवर्ड्स होते हैं, एक प्रश्न के ऊपर एक कीवर्ड होगा जो उस प्रश्न का डिमांड होगा, एक्चुअल में उस प्रश्न में पूछा क्या गया है, ठीक है। अभी समझाता हूँ यहाँ पर गलती क्या करते हैं लोग, कीवर्ड जो है वही क्या होगा उस पेपर का, उस क्वेश्चन का डिमांड होगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी प्रश्न का, ठीक है, क्लियर है। बुद्ध के जीवन के अंतिम के दो चरणों को समझाइए, तो यहाँ ये नहीं लिखना कि गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता ये थे, उनकी माता ये थे, कहाँ पूछा है आपसे, सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण को समझाइए, ये प्रश्न का मतलब ये है, तो केवल उसको लिखो। तो प्रश्न को पहले समझना जरूरी है कि देखो क्या होता है ना, ये करने से क्या होगा, जो आपका वर्ड लिमिट है, शब्द सीमा जो बोलते हैं ना, वर्ड लिमिट तभी मैनेज कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा, कभी वर्ड लिमिट नहीं मैनेज कर पाओगे। इतना सा जगह होगा, भूमिका बनाते बनाते आप छः लाइन खा जाओगे, लास्ट में दो लाइन में जो एक्चुअल में पूछा गया वो प्रश्न में लिख रहोगे, और फिर बाद में आप बोलोगे देखो सब तो लिखा था नंबर नहीं मिला है। अभी मैं कॉपी रिव्यू कर रहा हूँ, देखता हूँ ऐसे ही आते हैं कॉपी। क्वेश्चन पूछा था पिछले बार का एक क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, पेपर 7 पार्ट 2 में आया था, क्वाड के बारे में, क्वाड क्या है
और आगे पूछा था क्वाड किस तरह से सुरक्षा और साथ ही साथ विश्व में शक्ति को क्या करता है, संतुलित करने के लिए कार्यरत होता है. हाउ इट मैनेज द सिक्योरिटी एंड बैलेंस द पावर इन द वर्ल्ड एंड व्हाट इज क्वाड. लोगों ने क्वाड लिखा, क्वाड का उद्देश्य बता दिए, उसके कार्य बता दिए. कहाँ पूछा था, दो लाइन में क्वाड बताना था, उसके बाद शक्ति को कैसे संतुलित करता है वो बताना, चाइनीज एग्रेशन को कैसे काउंटर करता है, जो आपका इंडो पैसिफिक ट्रेड है उसको कैसे वो सिक्योर करेगा, जितने भी आइलैंड नेशन है आइलैंड नेशन की सोवरेनिटी को कैसे वो रोक बचाएगा, उसकी संप्रभुता को किस तरीके से वो क्या करेगा, संतुलित करेगा, विश्व व्यापार को वो किस तरीके से बना के रखने में मददगार होगा. उत्तर ये लिखना था. लोग क्या लिखकर गए हैं, तो नंबर क्यों देगा एग्जामिनर. तो प्रश्न जो भी होगा उस क्वेश्चन की एक डिमांड होगी और उस क्वेश्चन की डिमांड उसके कीवर्ड्स में होगी, उसको पहले समझना. दूसरी बात, इस कीवर्ड के साथ साथ कुछ जनरल कीवर्ड्स होते हैं, सामान्य कीवर्ड होते हैं, जनरल कीवर्ड अटैच्ड विद द क्वेश्चन, अटैच्ड टू क्वेश्चन. प्रश्नों के साथ क्या होते हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड जुड़े हुए होते हैं, उनके हिसाब से लिखना होता है. ऐसे प्रमुख कीवर्ड कौन कौन से हैं, पहला होता है समझाइए, एक्सप्लेन, कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं ना, लिखते चलो बता रहा हूँ सबका मीनिंग. एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब समझाइए. उसके बाद एक होता है इलुसिडेट, व्याख्या करें, इलुसिडेट व्याख्या करें. उसके बाद एक आता है इलस्ट्रेट, चित्रण करें, चित्रण. उसके बाद एक शब्द आता है डिस्कस, इसका मतलब होता है चर्चा करें, चर्चा करें, ठीक है. तो एक इलुसिडेट, इसके बाद एक आता है थ्रो लाइट अपॉन, प्रकाश डालिए, आता है ना प्रश्न, प्रकाश डालिए कि नहीं, सुने हो, सुने होगे ना, तो लिखो पहले इसको, थोड़ा समझाता हूँ क्या है. तो एक क्वेश्चन क्या आता है, थ्रो लाइट अपॉन, प्रकाश डालिए. एक आता है कमेंट, टिप्पणी लेखन, टिप्पणी करें, कमेंट. ये क्या होता है, कमेंट, ठीक है, कि उसमें टिप्पणी करिए. एक आता है क्रिटिकली एनालाइज, जो सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं, क्रिटिकली एनालाइज, आलोचना, क्या बोलते हैं, उसमें टिप्पणी करना होता है, आलोचनापूर्ण, आलोचनापूर्ण टिप्पणी करें, या आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज. एक आता है गिव अ ब्रीफ डिटेल ऑफ, संक्षिप्त लेख लिखें, संक्षिप्त. ब्रीफ डिटेल, ठीक है. तो इस तरह से क्वेश्चन में अलग अलग शब्द आते हैं, इनका भी कोई मतलब होता है, ये ऐसे नहीं लिखे होते हैं पेपर के ऊपर, ठीक है ना, इनका भी कोई अर्थ है, और इनके अर्थ को अगर नहीं करोगे तो आंसर व्यर्थ है, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ को याद रखना. तो इनका जो अर्थ है उसको हिसाब से लिखना होगा क्वेश्चन में. अगर ये क्वेश्चन में आता है चित्रण करें, चित्रण करें का मतलब क्या होता है, डायग्रामेटिकली उसको समझाएं, उसका इलस्ट्रेशन होगा. जैसे कि क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारत में गन्ने के उद्योगों का या गन्ने उद्योगों के वितरण का चित्रण करें, गिव द इलस्ट्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर इंडस्ट्रीज इन इंडिया. सपोज करो, अभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अंदर. तो उस समय आप इसको समझाओगे नहीं कि भारत में गन्ने का इस क्षेत्र में होता है इतना इतना, ये पहले आप उसका चित्रण करोगे, सारे रीजन को मैप में दिखाओगे और फिर उस रीजन पे जाकर उसका एनालिसिस करोगे, ठीक है. जैसे कि अभी जैसे मैं गन्ने वाला प्रश्न बता रहा हूँ, तो उसमें आप प्रॉपर क्या करोगे, एक यहाँ पर मैप बनाओगे, सेंटर पे ही बना लेते हैं मान लो, ठीक है, ऐसा कुछ सपोज करना, अभी अच्छे से मैप बाद में बनाऊंगा, कुछ इस तरीके से मैप बनाए, फिर आप बताओगे यहाँ पर कि ये वाला जो क्षेत्र है उत्तर का मैदानी क्षेत्र वहाँ पर है, और वहाँ पर किस क्यों होता है, फिर इस मार्क करोगे यहाँ पर कौन कौन सा स्टेट आता है, वहाँ पर रीज़न क्या है, साउथ इंडिया उसके क्या रीज़न है. तो ये चित्रण से ही इस उत्तर को लिखोगे, यहाँ पर सेंटेंस नहीं, यहाँ पर आपका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फिर उसके बाद अभी और भी चीज़ों में आते हैं. अब यहाँ पर देखो, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आप पढ़ते हो और उसको लिखना होता है सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो आपने कॉपी में पढ़ा है ना उसी चीज़ को सीधा जाके लिख दिया करो, जिस हाँ, ठीक है. जैसे कि क्वेश्चन क्या आएगा, मान लेते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, हिस्ट्री में ही है, एक्सप्लेन अबाउट द कल्चुरीज इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कल्चुरियों के बारे में समझाइए. तो सिंपल सिंपल कल्चुरियों के बारे में समझाना है, तो जो किताबों में पढ़ा है उसी चीज़ को वैसे ही लिखना है.
हाँ, उसको आप जैसे टॉपिक बना के लिखना चाहते हैं, हेडिंग बना के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे। वो किस क्वेश्चन में लिखा जाता है? एक्सप्लेन में। एक्सप्लेन में जैसा आपका नोट्स या किताबों में है, आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं करोगे, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे जो आपकी जो बेसिक आप जो पढ़े हैं उसको वैसा ही लिखा जाता है। ठीक है, पहले याद रखना इसमें क्या करते हैं, सिंपल अंडरस्टैंडिंग को ही लिखी जाती है, जो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है केवल उसको ही लिखेंगे। उसके बाद दूसरा आता है इलुसिडेट। ये खेली सिर्फ और सिर्फ खेलने का तरीका है। एक्सप्लेन का अगर आप सिनोनिम्स खोजोगे नेट में पर्यायवाची, तो उसका एक पर्यायवाची इलुसिडेट भी है। ठीक है, एक्सप्लेन का ही एक पर्यायवाची, समझाइए का एक पर्यायवाची, व्याख्या कीजिए भी होता है। बट हाँ, अगर क्वेश्चन में इलुसिडेट लिखा तो सिंपल समझाने के साथ साथ यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल पुट इन करना, डेफिनेटली एक एग्जाम्पल वहाँ पर डाल कराना। इलुसिडेट वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स को वो प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इलुसिडेट में क्या करोगे, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स वहाँ पर डेफिनेटली होंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है चर्चा करें। ये क्वेश्चन का नेचर ही अलग होता है और ये हमेशा बड़े क्वेश्चन में होता है, छोटे में कमी होता है, कभी कभार होता है। जब चर्चा करना होता है तो यहाँ पर आप अपने व्यू लिखते हैं, आप क्या समझते हो उस चीज़ से पर्टिकुलर, किताबों में क्या लिखा है आपने पढ़ा है ठीक है, लेकिन उस चीज़ों को आपने क्या समझा आपको वो बताना होता है। एक्सप्लेन में जो बताया गया वही बताना होता है, चर्चा करें में आपने उसे क्या समझा वो बताओगे। समझ रहे हैं, चर्चा करें में आपके अपने व्यूज़ होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज फेवर में अगेंस्ट में होता है ना, तो आप वैसा लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके अपने व्यूज़ होते हैं, योर व्यूज़, और आपके विचारों में जब आप क्या करते हो, सही और गलत दोनों को रखते हैं, आलोचना और साथ ही साथ उसका साथ रहना, मतलब आप फेवर भी कर रहे हो और अगेंस्ट भी जा रहे हो, अगर आप वो दोनों काम करना है तो वो क्वेश्चन को बोलते हैं क्रिटिकली एनालाइज। तो चर्चा करें का एक बड़ा रूप क्या कहलाता है, क्रिटिकली एनालाइज। चर्चा करें में आप अपने व्यूज़ को डालते हैं, क्रिटिकली एनालाइज में क्या सही है और क्या गलत है दोनों पक्ष को लिख कर ही आना हमेशा। अगर आप एक पक्ष लिख कर आ गए और दूसरा नहीं लिखे तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि वो 7-7 मार्क्स में चेक करेगा आंसर को। तो आप अगर क्रिटिकली एनालाइज लिखा है और खाली पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख कर आए और नेगेटिव एस्पेक्ट बिल्कुल नहीं लिखे तो आपके मार्क्स काट देगा, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड कुछ अलग है ना, शब्दों का कोई मतलब है, नहीं तो शब्द को ऐसे क्यों देते, लिख देते व्हाट इज़ ये बता दो सीधा। तो अगर क्वेश्चन में इन सबको उन्होंने पूछा है तो कुछ सोच के ही पूछा होगा ना। तो यहाँ पर हमेशा प्रॉस एंड कॉन्स, मतलब क्या सही है, पक्ष और विपक्ष दोनों को लिखा जाता है। क्रिटिकल एनालिसिस में हमेशा पक्ष और विपक्ष दोनों पे ही चर्चा होनी चाहिए, एक पे नहीं कर सकते। ठीक है, थ्रो लाइट अपॉन, एक्सप्लेन का ही एक रूप है, समझाना है इसमें, पर समझाने के साथ साथ इसमें एडवांटेज जरूर लिखना, उसका लाभ महत्व भूमिका जैसे होते हैं ना चीज़ें, वो जरूर लिख करना। जब भी आता है प्रकाश डालो तो उसमें लाभ को जरूर लिखना, लाभ या महत्व को। ठीक है, फिर ये आता है आपका टिप्पणी लेखन। टिप्पणी लेखन इसमें सिंपल सा जो भी आपको आंसर में आता है दिमाग में आप लिख लो, कभी नहीं कटता वक्स, इसके लिए कुछ नहीं, सिंपलिस्टिक आंसर, चाहे आप उसको एक्सप्लेन लिखो या कुछ भी लिखो, टिप्पणी लेखन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर हाँ, टिप्पणी लेखन थोड़ा सा संक्षिप्त लिखा जाता है, हमेशा एक समराइज फॉर्म में लिखते हैं, है ना। इसमें एलोबरेट में जैसे क्या करते हैं, एलोबरेट यहाँ नहीं लिखा है मैंने, उसमें क्या करते हैं विस्तृत बताते हैं, कमेंट में उसको संक्षिप्त लिखते हैं, प्रिसाइज लिखते हैं, प्रिसी राइटिंग जैसा। कोई भी टॉपिक में आता है कमेंट करो तो उसको प्रिसाइज करके लिखना होता है, और अगर वही चीज़ एलोबरेट करके आता है व्याख्या करें तो उसको संक्षिप्त क्या करते हैं, पूरा विस्तृत लिखते हैं, तो इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में लिखा जाता है कमेंट को। ठीक है, और उसी का जो बड़ा रूप है वो क्या है, ब्रीफ डिटेल, तो उसको आप फिर समझाने के बाद उसको डिटेल करते हुए चलोगे। ठीक है, तो देखो सब में कुछ नहीं है, डिग्री ऑफ डेप्थ बोलते हैं इसको, कि उत्तर को कितना गहराइयों में लिखना है बस उसमें। तो मैं आपको यही बोलूँगा, ज़्यादा आपको इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको किस किस को याद रखना हमेशा, एक तो इसको आलोचनात्मक टिप्पणी करें, चर्चा करें, चित्रण करें, इन तीनों को, और साथ में बाकी सबका आंसर एक जैसा बना सकते हो, क्योंकि बाकी सब में चीज़ें वही लिख रहे हो, पर इनको अच्छे से याद रखना, आलोचनात्मक टिप्पणी करें, चर्चा करें, चित्रण करें, इन क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से पकड़ के। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट हेड था कि क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, प्रश्नों के डिमांड पे जाएंगे, डिमांड एक होगा जो उस क्वेश्चन में जो पूछ रहा होगा उस टॉपिक से रिलेटेड वो तो होगा ही होगा, पर उसके बाद कुछ शब्दों के डिमांड होंगे,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बिना अगर आंसर लिखोगे तो क्या होगा, जो कंटेंट पूछा गया है उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, वो चीज़ें एक्चुअल में आपकी क्या हो जाएंगी, कॉम्प्रोमाइज़ होगी, आपको चीज़ समझ नहीं आएंगी। ठीक है, ओके, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को पहले तो आप अच्छे से रीड करेंगे, उसकी डिमांड को समझेंगे और जाएंगे। ठीक है सर? हाँ जी, जैसे वर्णन करके आता है, वर्णन करने का क्वेश्चन में, हाँ वर्णन करने करके आता है, उसको बता दूंगा चंद शब्द, वर्णन करें ना, वही सेम उसमें जो बताया था ना आपको, ब्रीफ डिटेल, ब्रीफ डिटेल को ही वर्णन करने वाला होता है। ठीक है, दूसरा आपका, दूसरे पैरामीटर्स पे चलते हैं, प्रश्न को का जिसको मैं प्रेजेंटेशन बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ, बाकी तो ये क्वेश्चन के साथ आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है ना, एक प्रश्न को प्रॉपर आपका प्रेजेंटेशन, मतलब एग्जामिनर के पास जब आप सामने बैठते हो ना, तो उसको ये नहीं पता है कि आप कौन हो, उसके सामने आपकी कॉपी है, तो बात को हम ध्यान रखोगे। इस कमरे के अंदर आप आए तो मैं, मेरे को नहीं पता कि आप कौन हो, नाम तो मैंने पूछा, ठीक है स्टूडेंट है, आपने एडमिशन लिया, मेरे को पता है, पर जिस दिन आपकी कॉपी आएगी डेफिनेटली मेरे को कुछ लोगों का नाम याद हो जाता है चेक करते समय, जो अच्छा लिखते हैं, जो बुरा लिखते हैं उनका भी याद होता है, पर माइंड में हो जाता है कि ये तो बुरा लिख रहा है। ठीक है ना, दिख जाता है ना चीज़ें। तो एग्जामिनर एक्चुअल में है वो कि जो आपके लिए अननोन है, तो उस अननोन को अपना बारे में आप केवल और केवल अपनी कॉपी से बता सकते हो कि ये मैं हूँ और मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो प्रेजेंटेशन है ये काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के तीन हिस्से होते हैं, पहला तो होता है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा होता है कंक्लूजन। हिंदी वालों को यहाँ दिक्कत तो नहीं है इतने में? ये सब तो समझते होंगे ना इतना। ठीक है, अब सब सब्जेक्ट में आऊँगा वहाँ पर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करूँगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये बड़े क्वेश्चन में अप्लाई होगा, छोटे में और हम लोग और तरीके देखेंगे, बहुत सारे तरीके सिखाऊंगा आपको। ठीक है ना, हज़ारों तरीके सीख जाएंगे आंसर लिखने का, बस अभी एकदम बेसिक बता रहा हूँ, ये तीन चीज़ें तो आपके आंसर्स में होनी चाहिए, एक इंट्रोडक्शन, एक बॉडी, एक कंक्लूजन, बड़े क्वेश्चन में, खासकर जो 10 और 15 नंबर के क्वेश्चन वहाँ ये दिखना चाहिए, छोटे क्वेश्चन में इतना स्कोप नहीं होगा। ठीक है, छोटे क्वेश्चन में इतना स्कोप नहीं होगा, तो बड़े क्वेश्चन में 10 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप एक चीज़ को ध्यान रखना, रूल्स जो बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान रखोगे, दो लाइन से ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। अगर लेकिन प्रश्न कुछ अलग तरीके से पूछा गया है तो होता है कि चार लाइन का भी इंट्रोडक्शन बनेगा, खासकर फिलॉसफी में। अब देखो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, फिलॉसफी की बात करें, क्वेश्चन नॉर्मल भी बात करते हैं, अब अगर हिस्ट्री में मैं क्वेश्चन पूछ लिया, फिलॉसफी में कहीं भी पूछ लूँ, अगर ये क्वेश्चन दे देता हूँ कि डिफाइन, ठीक है ना, डिफाइन परमाणुवाद क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ओरिजिन अकॉर्डिंग टू द परमाणुवाद, परमाणुवाद को समझाइए, उत्पत्ति के सिद्धांत को परमाणुवाद से, परमाणुवाद में दिए गए उत्पत्ति के सिद्धांत की व्याख्या करें। तो पहला प्रश्न का जो पहला हिस्सा है डिफाइन परमाणुवाद, वो अपने आप में ही क्या है, एक डेफिनेशन पूछ लिया है। मतलब अगर वो क्वेश्चन को 15 में पूछेगा तो डेफिनेटली वो जो डिफाइन वाला एंगल और ये है, इस एंगल को ही वो 5 नंबर में पूछ रहा है और उसको 10 में पूछ रहा है, क्वेश्चन का वेटेज डिसाइड होता है ऐसा, बनाने वाले के दिमाग में होता है जब चेक करता है तो। ठीक है, तो उस समय आप इसको दो लाइन नहीं लिख कराओगे, उसको अच्छे से परिभाषित करोगे, चार लाइन लो, पांच लाइन लो, अच्छे से समझाओ। पर अगर जनरल क्वेश्चन आता है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स का छत्तीसगढ़ के खेल विकास में क्या योगदान होगा, वॉट रोल द छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल स्पोर्ट्स इन छत्तीसगढ़, उस क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स का जो आप इंट्रोडक्शन लिख रहे होंगे वो एक लाइन या डेढ़ लाइन का होगा केवल, क्योंकि मेन उस क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया छत्तीसगढ़ ओलंपिक क्या है, उसकी भूमिका को पूछी जा रही है, तो भूमिका को आप अच्छे से लिखोगे। क्लियर हो रहा है? तो हमेशा याद रखना है कि इंट्रोडक्शन को दो लाइन पे, लेकिन अगर क्वेश्चन डेफिनेशन बेस ये सब है तो वो बड़ा इंट्रोडक्शन बनेगा, क्योंकि तभी क्वेश्चन की डिमांड पूरी कर पाओगे। कंक्लूजन किसी भी हालत में एक लाइन या दो लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना, वन और टू लाइन से ज़्यादा कंक्लूजन नहीं करना। ऐसे में हम लोग जाएंगे तो 5 से 6 लाइन लिख रहे होंगे, तो 4 लाइन पर अभी आंसर स्मित ही रखेंगे, और मेन आंसर आपका क्या होगा, बॉडी होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, जब आप इस चीज़ को बांधना सीखोगे, अभी शुरुआत से जब आप इसको बांधोगे तो क्या नहीं करोगे, आप एक गलती नहीं करोगे, भूमिका नहीं बना रहे होगे, हर प्रश्नों में जाके आप भूमिका बनाते हैं, बैकग्राउंड मेकिंग। अब मैंने पूछा अशोक का धम्मा क्या, तो पहले आप लिख रहे हो अशोक वॉज द ग्रेट मौर्यन एम्पायर, ही रूल ड्यूरिंग दिस पीरियड, ही हैज फॉट मेनी सेवरल वॉर लाइक द कलिंग वॉर, एंड आफ्टर द कलिंग वॉर ही जस्ट चेंज हिज थ्योरी एंड देन कम टू द फिलोसफी ऑफ थ्योरी ऑफ धम्मा। मैं एकदम फूटी फूटी बात कर रहा हूँ,
कि अशोक मौर्य साम्राज्य अशोक महान शासक थे, वो इस क्षेत्र में रूल करते थे या इस क्षेत्र में वहाँ के शासक थे, इस समय अवधि में ये क्या हुए, अपने आप को कलिंग युद्ध लड़ा और उसके बाद इनमें परिवर्तन हुआ, ये सब कहाँ पूछा ही नहीं गया है। अगर एग्जामिनर आपसे धम्मा पूछ रहा है उसको पता है सब चीज़ें, और वो PhD स्कॉलर है, वो हिस्ट्री का महारथी है, उसको आप मत सोचो कि मैं बताऊंगा क्या अशोक एक महान शासक था। वो आदमी होगा जो व्यू दे रहा होगा कि वो है कि नहीं। आपको सीधा सीधा उस टॉपिक में जाना है। तो टॉपिक में सीधा कैसे जाओगे, जब आप अपने इंट्रोडक्शन को लिमिट कर दो। अब ये नहीं करोगे तो आप पूरा लिख रहे होगे अशोक के बारे में, 5 लाइन अशोक के बारे में लिखे धमा नीचे लिख के दिखो, एग्जामिनर दूसरी बात देखेगा इतने बतौले कर रहा है मतलब इसको आंसर नहीं आता है, आपका इमेज गलत हो जाता है। इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन आता है उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेकर हम आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। पहला आता है आपका पैराग्राफ राइटिंग। कई लोग पैराग्राफ लिखने में बहुत अच्छे होते हैं तो वो पैराग्राफ में लिखते हैं। स्पेसिफिकली आपको फिलॉसफी वगैरह में आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, है ना। मैं आपको कई तरीके सिखाऊंगा कि अलग अलग तरीके से कैसे बॉडी लिखा जाता है। एक हो गया आपका जैसे पैराग्राफ, ठीक है ना। पैराग्राफ में आप लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है खत्म हो जाता है, पैराग्राफ ही नहीं टूटा। PSC ऐसे देता है 8 नंबर का क्वेश्चन, उसमें 12 लाइन होते हैं, लोग यहां से चालू करते हैं पूरा 12 लाइन लिख दिए, आंसर पढ़ो तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या लिखना चाह रहे हैं। आप आंसर को तोड़ोगे, ब्रेक करोगे छोटे छोटे पार्ट में, हिस्सों में, 3-4 लाइन का मैक्सिमम, मैं तो बोल रहा हूं आपको 4 लाइन, 4 लाइन से बड़ा एक भी पैराग्राफ मत लिखना। अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं आप 12 लाइन ही लिखिए, पर 4-4 लाइन के 3 पैराग्राफ लिखिए। उससे क्या होता है, छोटे पैराग्राफ पढ़ाए जाते हैं। मेरे को अगर आप बोलोगे कि सर 5 छोटे पैराग्राफ पढ़ो, मैं डेफिनेटली पढ़ दूंगा, आप एक बड़ा पैराग्राफ दोगे मेरा इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, तो एग्जामिनर का इंटरेस्ट वहां पर बनेगा, पहला चीज। दूसरी बात, जब आप छोटे पैराग्राफ लिखोगे तो आप एक एक पैराग्राफ में 2 से 3 कीवर्ड इंट्रोड्यूस कर पाओगे। आपके 8 से 9 क्वेश्चन में पूरा का पूरा आंसर राइटिंग कीवर्ड का ही खेल है। जो क्वेश्चन में पूछा गया वो आपका जो शब्द हैं वो आने चाहिए वहाँ पर, तो आपको मेन तो वो कीवर्ड पे कमांड चाहिए। तो आप अगर हर पैराग्राफ में 2-3 कीवर्ड लेके चल रहे होगे तो हर पैराग्राफ में आप 2-2 नंबर स्कोर कर रहे होगे और आपका मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेगा। तो पैराग्राफ आप छोटे लिखोगे, मैक्सिमम 4 लाइन का लिखोगे, नहीं तो उससे छोटा ही रखना पैराग्राफ, बड़े मत करना, बड़े पैराग्राफ से मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अंडरलाइन करना सीखेंगे थोड़ा सा आप लोग। जो भी मेन कीवर्ड हैं, जो क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है, उसके हिसाब से जो आपने लिखा है, जो उदाहरण लिख रहे हैं, तो जो एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप अंडरलाइन करेंगे। एग्जामिनर को दिखाना है ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो आपको नहीं जानता, तो आप बता दो कि मेरे आंसर में ये देखो ये लिखा हुआ है, यही खोज रहे हो, देखो सामने दिख रहा है, अंडरलाइन में वो दिखना चाहिए कि हाँ ये पॉइंट तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसने तो लिखा है। अगर आप वो देने लगोगे ना तो क्या होगा पता है, हर क्वेश्चन, हर कॉपी चेक होते समय आपके 2-3 क्वेश्चन चेक होंगे, उसके बाद वो कॉपी को ना वो पूरा रीड करने की जगह वो देखेंगे कि अच्छा ये कीवर्ड तो ये है, मतलब इसको पता है, आपके ऊपर उनका ट्रस्ट बन जाता है। अगर आप चाहते हो कि एग्जामिनर आपके ऊपर ट्रस्ट करे और आपको मार्क्स अच्छे दे, तो आप अंडरलाइन ज़रूर करेंगे जितने भी कीवर्ड्स हैं। उस दिन नहीं हो पाएगा पेपर के दिन, अगर प्रैक्टिस नहीं होगा। आप सोचोगे उस दिन मैं लिख लूँ, आप 3 घंटे लिखते रह जाओगे, लेकिन आपका नहीं हो पाएगा, ये सच्चाई। और अभी से प्रैक्टिस होगा, आंसर से याद होंगे, आप अंडरलाइन कर पाओगे। तो कीवर्ड्स पे आपको अच्छे से काम करना है। वो फैन कौन कर लो ना, ऐसे क्यों बैठे हो। और खिड़की को खोल दो ना, तब तो ये थोड़ा सा वो लगेगा, हवा आएगा। खोल लो खिड़की, खोल लो, वेंटिलेट ही नहीं हुआ पूरा, एक्चुअल में वो भर गया है, कल मैं उसको ठीक करवा दूंगा, टेंशन, ठीक है। हाँ, तो क्या करना है आपको, पहली बात, सेकंड थिंग देखोगे तो ये आपका अंडरलाइन चीज़ों को करते हुए चलेंगे। पहले पैराग्राफ छोटे लिखना है, नंबर 2 अंडरलाइन करना है। इसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर पॉइंट में लिखें, पैराग्राफ में लिखें या साइड हेडिंग में लिखें, ठीक है। तीनों के तीनों ही, उसमें तो मैं तो आपको साइड हेडिंग बहुत सिखाऊंगा, ठीक है। तो एक हम लोग साइड हेडिंग बहुत लर्न करेंगे यहाँ पर, बहुत अच्छे डीप लेवल में साइड हेडिंग लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं कि सर पॉइंट में लिखे हैं, पैराग्राफ में लिखे हैं, साइड हेडिंग में। ये मैं बताने वाला कोई नहीं होता, ये क्वेश्चन बताएगा आपको। परिभाषित करो को आप कैसे पॉइंट में लिखोगे, किसी चीज़ का डेफिनेशन पूछेगा तो आप उसको कैसे लिखोगे पॉइंट में, नहीं लिख सकते कि लिख दोगे। डिफाइन सोलर एनर्जी थोड़ी लिख दोगे पॉइंट में, समझाओगे ना उसको,
कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो पैराग्राफ में ही लिखाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी, अब जैसे कि आपको आएगा कि गौतम बुद्ध के द्वादश निदान को समझाइए, अब द्वादश निदान को पॉइंट में लिख के आओगे मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर, कर्ता कारण के सिद्धांत को लिखो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को नहीं देगा वो मार्क्स। हिस्ट्री में ऐसी क्वेश्चन आ जाएगा कि समुद्रगुप्त के विजय अभियान को समझाइए, एक्सपीडिशन ऑफ समुद्रगुप्त, तो उसमें साइड हेडिंग बना के आप समझाओगे, तो वो क्वेश्चन की डिमांड है कि आप साइड हेडिंग बना के लिखो, उसको आप पॉइंट में लिखोगे, समुद्रगुप्त उत्तर में इसको हराया, समुद्रगुप्त उत्तर में इसको हराया, समुद्रगुप्त उत्तर में इसको हराया, फिर नीचे एग्जामिनर काट के लिखेगा तुम्हारे उत्तर में मैंने तुमको हराया, क्यों देगा मार्क्स, व्हाई ही विल गिव द मार्क्स। आप पीएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, आप एक ऑफिसर बनना चाह रहे हो और आप आंसर क्या लिख रहे हो, गाय हमारी माता है चार पैर होते हैं, ये थोड़ी लिखना है, ये नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं कर सकते, वो बहुत बेसिक छोटे बच्चों के आंसर होते हैं। तो कई लोगों को मैं देखता हूँ कि पूरे आंसर्स पहले से लेकर लास्ट तक पॉइंट 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 पॉइंट, नहीं नहीं मिलता मार्क्स उसमें, और नहीं होते लोग पास, और जो भी पास हुए पॉइंट में लिखे हैं लेकिन हर आंसर को पॉइंट में नहीं लिखे हैं, वो क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से डिपेंड होता है, ठीक है। तो पॉइंट नहीं, एक्चुअल में क्या हुआ, ये जैसे ना आपका 33 करोड़ देवी देवता बन गए, अपभ्रंश होता होते है, यही हुआ था, सेम वही है, टू द पॉइंट लिखने बोला जाता था, तो लोगों ने सुना कि पॉइंट को सुन लिया और टू द को काट दिया, टू द पॉइंट मतलब जो पूछा गया है वो लिखें, बिंदु वरना लिखें, तो लोगों ने टू द को हटा के केवल पॉइंट वाइज लिखना है, सोच के पॉइंट पॉइंट लिख रहे हैं, ये हो गया सबके साथ दिक्कत। तो आप पहली बात कि क्वेश्चन की डिमांड जिसमें आपकी फुलफिल होगी वो देखो, ये जो साइड हेडिंग रेटिंग है ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी के पेपर में हेल्प कर रहा होगा, सोशियोलॉजी में करेगा, बहुत हेल्प करेगा, जहाँ पर आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिस सब्जेक्ट में कंटेंट कम है उसमें आपका पॉइंट वाइज ज़्यादा होगी, पर जहाँ पर आपके कंटेंट खूब है वहाँ साइड हेडिंग हेल्प करेगा। जैसे कि मान लेते हैं पूछते हैं कि इंडियन हिस्ट्री, जैसे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री हम लोग चालू कर रहे हैं ना, कल्चर में ही है, जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि कल्चर में क्वेश्चन पूछता है कि आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट भारत में बताइए, या पूछेगा कि भारत में संस्कृति की विविधता बताइए, ठीक है, तो आप लिखोगे कि इंडिया का क्या है, आपका एक डाइवर्स कल्चर है जिसकी विविधता हम निम्न रूपों से देख सकते हैं। पहला, तो उसमें जब कल्चर का वो लिख रहे हो आर्ट फॉर्म कला, तो फिर आर्ट फॉर्म एक हेडिंग बना ली साइड, उसमें बताओगे कि बहुत सारे आर्ट फॉर्म, तो एक साथ में चार पांच आर्ट फॉर्म को लिख सकते हो, पर अगर आपने उसकी जगह सीधा सीधा लिख दिया पेंटिंग, तो आप तीन से चार पैराग्राफ पेंटिंग लिख रहे हो, फिर आप दूसरे में आओगे तो आपने आठ नौ पैराग्राफ में दो पॉइंट पर बात किया है, पर साइड हेडिंग में आप चार में ही आप छः से सात पॉइंट पर बात कर सकते हो। यह सब समझ आ रहे हैं, अभी इसको थोड़ा सा समझो ये बातों को, ये सब अभी आंसर्स में दिखेगा आपको। तो इससे क्या होता है, आपका डायमेंशन बहुत कवर होता है, डायमेंशन राइटिंग इंपॉर्टेंट है ना, एक नहीं बहुत सारे डायमेंशंस को कवर करना होता है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन, अगर अभी तो खैर नहीं दे रहा हूँ, दूंगा बाद में, कि जैसे मैंने क्वेश्चन सिंपल से दे दिया कि छत्तीसगढ़ की अवस्थिति और विस्तार को समझाइए, एक्सप्लेन द एक्सटेंशन एंड लोकेशन ऑफ छत्तीसगढ़, टू मार्क्स में, आप क्या करोगे उसमें, लिख के दिखाइए, चलिए स्टार्ट करिए, चालू के आंसर राइटिंग। हिस्ट्री का है तो क्या हुआ, बस अभी यहीं पर ऐसी बेसिक फटाक से ना दो मिनट, या तो आप ऐसे ही बताओ, मतलब स्ट्रक्चर बना के दिखा दो, या सिर्फ लिखो, चलो लिखो लिखो लिखो, यहाँ पर ऐसी हुआ क्लास, आप सिर्फ यहाँ पढ़ने नहीं आए हो, लिखने भी आए हो। छत्तीसगढ़ की अवस्थिति और विस्तार को बताओ, बोले सर हिस्ट्री में ये चालू हो गया, वैसे एक्चुअल में हिस्ट्री में पहले में यही दिया है, एलन वर्मा वो आपका राम कुमार बिहार उठाओगे ना, शुरू में छत्तीसगढ़ की अवस्थिति बताई हुई, आर एस शर्मा ने भी यही बताया है, लोकेशन ऑफ इंडिया। चलो एक ऐसी बेसिक लिखिए, मैं आपको दो तीन मिनट का समय देता हूँ। हाँ एग्जैक्ट पॉइंट याद नहीं रही, कोई नहीं चल जाएगा ना, कितना डिग्री है वो नहीं लिखोगे चल जाएगा, तो भी उसको डेस्क कर देना बस। नहीं लिखे लिखे, अरे कुछ ही बात नहीं यार, गलत ही लिखोगे उससे ज़्यादा और क्या होगा, सही करेंगे ना हम लोग।
चलिए सब लोग ट्राई कर रहे हैं अपना अपना। चलिए डिस्कस करें इसको थोड़ा सा, कोई बात नहीं बना तो पहला क्वेश्चन है तो अभी हमारा सेशन चालू हुआ है ना, आज ही सब बन जाएगा तो फिर सेशन क्या मतलब है, ठीक है सीखना है ना। चलो तो देखो पहली बात तो ये प्रश्न के संबंधित आपको क्या क्या आंसर में होना चाहिए पहले वो समझो, बेसिक्स को जितना ज़्यादा क्लियर रखोगे उतना अच्छा आपको स्ट्रॉन्ग। पहली बात तो हमको पता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, अक्षांश और दशांतर की बात हो रही है, और अक्षांश और दशांतर के बिंदु मतलब अपने को चार बिंदुओं के बारे में लिखना है ना। इसी से निर्धारित होता है छत्तीसगढ़ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है और उसका क्षेत्रफल कितना है, ये सारे बिंदुओं में कौन सा जिला अवस्थित है और उस जिले में कौन सा क्षेत्र अवस्थित है, इसी बिंदुओं में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है ये बिंदु और डिस्ट्रिक्ट में एग्जैक्ट प्लेस कौन सा है। क्वेश्चन ओपन है, एक्सप्लेन अबाउट लोकेशन एक्सटेंशन, इसमें क्वेश्चन ने आपको बांधा नहीं है कि कितने के, तो एक्सप्लेन करना कुछ भी समझा सकते हैं। तो इसमें मैं अगर चाहूँ तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि अक्षांश और दशांतर जो है इसका प्रभाव क्या होता है छत्तीसगढ़ में ज्योग्राफिकली, ठीक है ना, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी में। तो मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, अब इतनी सारी चीज़ों को चार लाइन में कैसे लिखें। तो जो आप लोग देखो, पहली बात तो कह लो मैप नहीं बनाए, कह लो मैप बनाने की कोशिश की, तो इस प्रश्न में अगर आप मैप बना रहे हो और मैप को कुछ ऐसा बनाओ कि वहाँ पर चीज़ें दिखें, सपोज करते हैं मैंने यहाँ पर एक मैप बनाया, इतने जगह को मैंने यूज़ किया अपने मैप बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का एक मैप बनाया मैंने, यहाँ लिख दिया चारों पॉइंट को मार्क कर दिया, मार्क करने के बाद यहीं पर उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए इतना डिग्री है, ठीक है, जितना जितना डिग्री है और कौन कौन सा जिला है उस जिले का नाम, ठीक है, उसके नीचे के यहाँ पर एक बॉक्स लिखेगा क्षेत्रफल एरिया, लंबाई चौड़ाई कितनी उसको भी इसी में दिखा दिया और यहाँ एरिया लिख दिया, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स के बारे में यहाँ जानकारी दे दिया, मैप में सब कुछ आ गया जितना मांग रहे हो। आप क्या करो, लिख रहे हो पूर्व से छत्तीसगढ़ पश्चिम तक, उन बिंदुओं तक इतने किलोमीटर, आपका तीन दो लाइन खत्म, उत्तर से दक्षिण आप लिखोगे खत्म हो जाएगा पूरा। मैंने सारे चीज़ यहाँ प्रेजेंट कर दी, मैं यहाँ एक लाइन क्या लिखूंगा, द लोकेशन एक्सटेंशन डिपिक्टेड इन फिगर वन हैज़ द फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑन द छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, अक्षांश एवं दशांतर जो चित्र क्रमांक एक में दिखाए गए छत्तीसगढ़ की भूगोल में उनका निम्न प्रभाव देखने को मिलता है। चित्र क्रमांक एक में दर्शाया गया वो देखेगा, अच्छा इतना इतना बताया है, सब कुछ बताया है। यहाँ पर फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उनके बारे में तीन से चार पॉइंट लिख रहा हूँ, जलवायु में प्रभाव, वनस्पति में प्रभाव। आंसर देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और वही चार लाइन पे। लोग बोलते हैं स्पेस नहीं है सर, अभी मेरा वो पर्पस नहीं, वो तो मैं आपको लेके जाऊँगा, अभी अब जंप मत करो ना कि दो नंबर का क्वेश्चन है चार नंबर, हाँ बनाना है और उसी में रैंक लगता है, ठीक है ना। अभी हमारे पास थे रैंक 12, हर एक आंसर में ज्योग्राफी में डायग्राम दो नंबर और चार नंबर, प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन ये नहीं किया, अब प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में अपने आप आएगा ना। अभी आप लोग शुरू किए हो यार, तो डे वन का पहला क्वेश्चन है, कैसे सोच रहे हो कि सब चीज़ दिमाग में आएगा, वेट करो ना, मैं ये बोला प्रक्रिया है, जंप नहीं करना। अभी तो आपको ऐसे बहुत सारे मैजिक दिखेंगे कि विषय के बारे में अभी तक सोच ही नहीं पा रहे इस तरीके से, ये इतना कुछ सोचा जा सकता था, अभी दिखेगा आपको, अंदर जाने तो मुझे, ठीक है। मैं बस एक चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि देखो इसमें अब आपका ऐसा कोई पॉइंट या कोई डायमेंशन नहीं छूटा है जो अगले ने अपने उत्तर में लिखा और आपके उत्तर में ना हो, और डेफिनेटली आपके उत्तर में दो पॉइंट एक्स्ट्रा है जो किसी ने नहीं लिखा है। रिलेटिव चेकिंग भी होती है, समझे, होता है रिलेटिव चेकिंग, वहाँ पर आप डेफिनेटली एक पॉइंट एक्स्ट्रा स्कोर कर रहे हैं, आधा नंबर ही सही आपको ज़्यादा मिलेगा, और ऐसे आधा आधा नंबर अगर आप सब क्वेश्चन में ले जाओगे ना, 46 क्वेश्चन होते हैं 23 मार्क्स मिलेगा, वो 23 मार्क्स 10 नंबर में तो आपका रैंक बदल जाता है, तो वो डिफरेंस क्रिएट करके देगा। तो ये आंसर्स को लिखने के लिए अलग अलग पैटर्न होते हैं, फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है, उस फॉर्मेटिंग का एक है, देखो प्रॉपर आपका पॉइंट ऑर्गेनाइज दिख रहा है, आपका मैप है यहाँ पर, सब कुछ पॉइंट्स पूरे लिखे हुए हैं, एक प्रॉपर मैंने छोटा सा हेडिंग दिया जिसमें बताया है कि इसके यहाँ पर दर्शाया गया है, देखो सब कुछ इस आंसर में जो होना चाहिए, केवल दो मार्क्स में। अभी और बड़े में आता तो मैं फिर उसको और बड़ा लिखता, लेकिन अभी देखो सिर्फ दो मार्क्स के लिए आप इतना कुछ कर सकते हैं। फिर लोग बोलते हैं सर दो में मेरे को 0.5 क्यों मिला या एक मार्क्स क्यों मिला, मैंने तो सारे पॉइंट बताए, लेकिन नहीं बताए हो ना आप सारे पॉइंट नहीं बताए हो, वो बताए जा सकते हैं, लेकिन तो स्पेस का कभी मत बोलना कि स्पेस कम आता है पीएससी में, बहुत स्पेस रहता है, मैंने तो नहीं देखा कभी कि स्पेस कम पड़ जाए, बहुत जगह रहता है, ठीक है। तो
हम लोग क्या करते हैं, एक ये चीज़ को सीखे, समझ आ रहा है। तो पहली बात तो क्वेश्चन को कैसे फॉर्मेट करना है, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग, कि कैसे आप फॉर्मेट करोगे, कब आप डायग्राम बनाओगे। अभी तो आप लोग बहुत बेसिक लेवल पे हो। मैं जब दे रहा था एग्ज़ाम यूपीएससी में, तो मैं आंसर का पहले कंक्लूजन लिख दिया करता था, इंट्रोडक्शन से पहले कंक्लूजन एक लाइन लिख दिया करता था और एक डायग्राम साइड में बना देता था, फिर आंसर लिखना चालू करता था। ये भी किया हुआ है, क्योंकि मेरे को एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि मैं पहले इंट्रोडक्शन लिखूं, वो तो मेरा आंसर देखेगा ना, तो मेरे को पता है ना कि मेरे को आंसर में क्या लिखना है, तो मैं अपना सबसे बेटर प्रेजेंटेशन लेके जाऊंगा। जैसा थोड़ी कि पहले लाइन से ही लिखूंगा उसके बाद ही मैं डायग्राम बनाऊँगा, पहले बनाऊंगा डायग्राम क्या जाता है, क्या कि मेरा डायग्राम सुंदर बने, अच्छा बन जाए, फिर मैं बाकी पॉइंट को एडजस्ट कर दूंगा। मैं तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं पेपर में सबसे पहले कंक्लूजन लिखता था एक लाइन, कि कंक्लूजन छूट जाता है लास्ट में, ऐसे में कंक्लूजन लिख देता सबसे पहले लास्ट में, कि भाई कुछ होना हो कंक्लूड तो करूंगा ऐसे को मैं, उसके बाद बीच में जाके जहाँ डायग्राम बनाना डायग्राम बना देता, फिर लिखना चालू करते था। तो वो प्रैक्टिस से होगा, ये आप ऐसा नहीं कर लोगे कि कल ही चालू कर दोगे, वो प्रैक्टिस से होगा। जब आप हज़ारों 2000 4000 आंसर लिख लोगे ना, तब उतना प्रैक्टिस हो जाएगा। तो उस लेवल पे आपको धीरे 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 करके इवॉल्व करूँगा, ठीक है, और सीखेंगे हर चीज़। तो एक चीज़ क्या होगा आपका, वो चाहिए। दूसरी बात, जो साइड हेडिंग होते हैं, तो साइड हेडिंग क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन में डायमेंशंस हमको ज़्यादा देते हैं लिखने के लिए, हम अधिक चीज़ों को साइड हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं। अगर हम पॉइंट वाइज देखेंगे, हम 3 से 4 पॉइंट पे ही बात कर रहे होंगे, तो साइड हेडिंग यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम करेगा, ठीक है। तो पैराग्राफ, अंडरलाइन, पॉइंट वाइज पैराग्राफ, और हम लोग किसमें आएंगे, एक साइड हेडिंग पे। बाद में कंक्लूजन राइटअप में सिखाऊंगा आपको कि दो एक लाइन में कैसे अपने आंसर्स को बांधा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंक्लूजन राइटअप। तो ये कुछ एकदम बेसिक लेवल पे प्रेजेंटेशन है, बेसिक लेवल पे प्रेजेंटेशन है। अब ये प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बदलेगा। इतिहास में प्रेजेंटेशन अलग होगा भूगोल से, भूगोल में जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो साइंस से बिल्कुल अलग होगा, मैथ्स को अलग से आपको उनको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैथ्स में प्रेजेंटेशन अलग होगा, पेपर 7 में आओगे उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग होगा। तो हर सब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन अलग होता है। प्रेजेंटेशन के बाद आंसर राइटिंग का तीसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है शब्दावली, वर्ड जार्गन और लैंग्वेज, भाषा। आप बिल्कुल भी कठिन भाषा में उत्तर नहीं लिखेंगे, सामान्य भाषा में लिखोगे, सिंपल लैंग्वेज रहेगा आपका। पर सिंपल लैंग्वेज में जो सब्जेक्ट के वर्ड्स हैं, शब्दावली जो है वो विषय के शब्दावली अच्छी होनी चाहिए, पर भाषा आसान होना चाहिए। एकदम कठिन भाषा में नहीं लिखना है, कवि नहीं बन जाना है वहाँ पर, है ना। आपको पोएट जैसे नहीं लिखना, पोएट नहीं बनना वहाँ पर, कि एकदम इतना फैंसीफुल, इतना हार्ड लिख दियो कि उस किसी को समझ ही नहीं आ रहा है, और समझ भी आ रहा है तो वो बोल रहा है कि इसमें नंबर नहीं दे पाऊँगा। क्लियर है। तो आपका जो भाषा होना चाहिए वो थोड़ा सिंपलिस्टिक होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, और बहुत लूसिड होना चाहिए। लूसिड मतलब वो पढ़ने वाले को मज़ा आना चाहिए, पढ़ने वाला आपके भाषा को पढ़ के उसको ये ना, देखो कभी कभी होता है आप कुछ बोल रहे हो पर वो बाधा बन रही है उसके बीच में, पढ़ते ना कम्युनिकेशन बैरियर, तो वो बैरियर नहीं छोड़ना कि भाई तू समझ ले इसका शब्दावली, मैंने तो शब्द दे दिया है तू समझ ले अपने हिसाब से, वो नहीं समझ पाएगा और वो समझने का कोशिश भी नहीं करेंगे। पर शब्दों की जो बात चुनाव करते हैं, जैसे कि वो लिख रहे हैं भूगोल लिख रहे हैं, अब मैंने लिखा कि भूगोल को जैसे कि वनस्पतियों के बारे में बताइए, छत्तीसगढ़ में वनस्पतियों के बारे में, या तो बस्तर के वनस्पतियों का विवरण दें। तो बस्तर के वनस्पतियों के विवरण में आपको लिखना पड़ेगा कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष मिलते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय जो है यह भौगोलिक एक शब्द है, ट्रॉपिकल डेसिडियस, तो ये लिखना पड़ेगा वहाँ पे। इसको बिना लिखे छोड़ दिया और अब आंसर लिख रहे हो तो भी गलत है। तो जो शब्द जो है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो ज़रूर लिखेंगे, पर सिंपल लैंग्वेज लिखेंगे, बहुत टफ भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। खासकर फिलॉसफी में तो आप लोग एकदम पार कर देते हैं, कई लोग है ना फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट में एकदम ही पार कर देते हैं लैंग्वेज को, उतना नहीं करना है, सिंपल समझाओ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब में आपका लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए। बाकी सब सब्जेक्ट के जो मेन शब्दावली और सब सब्जेक्ट की कुछ कुछ डिमांड होती हैं, जैसे पॉलिटी में आपका कोर्ट केसेस और साथ ही साथ जो कोर्ट के जजमेंट होते हैं उसके साथ साथ क्या होता है आर्टिकल नंबर पता होना चाहिए, पेपर 7 में भी सेक्शन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ को भी हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब भी आप सोशियोलॉजी में आंसर लिख रहे हो, परिभाषा लिख रहे हो, तो अपने मन से नहीं लिखते, परिवार की परिभाषा लिखो तो नहीं लिख देना, परिवार वो रहता है जिसमें व्यक्तियों का समूह होता है, ये सब नहीं होता। एक समाजशास्त्री का नाम होगा, उनके अनुसार परिवार ये होता है, तब आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो आपको 2 में से आधे से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। उन विषयों की डिमांड होती है, तो वो सब चीज़ का भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। समाजशास्त्र में देखो मार्क्स नहीं आ रहे किसी के, 50 में से 20-22 नंबर आ रहे हैं समाजशास्त्र में, मैक्सिमम 30 तक जा रहा है,
एक भी नहीं होगा जो आपको 3540 ला के दिखा रहा हो, ठीक है। 35 तक तो जा ही नहीं रहे, 30 भी नहीं जा रहे हैं, 22 23 24 में रुक जाते हैं समाज शास्त्र में। क्यों? इसी कारण से पेपर 7 में मार्क्स किसी को नहीं मिले, 70-80 70-80। क्यों? सेक्शन नहीं लिख पा रहे पेपर पार्ट 1 में नंबर नहीं किसी का। पार्ट 2 इंटरनेशनल रिलेशन में जो उसके शब्द हैं प्रॉपर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो शब्द हैं, शब्दावली किसी को नहीं आती। तो जो भी नंबर मिलता है पार्ट 3 में मिलता है। तो जब अब तक आप उसमें कमांड नहीं बनाओगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हम लोग उसके ऊपर भी कमांड बनाएंगे। बाहर से पीएससी दिखने में आसान है ना, 7 पेपर है पढ़ लेंगे हो जाए, नहीं होता ऐसे यार। अंदर आओगे देखोगे तो मज़ेदार है, मैं ये नहीं बोलता बहुत टफ है, मज़ेदार है, सीखने को बहुत है। बस धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना है, एक दिन में नहीं सीखो और इतना जल्दबाजी भी नहीं करना। और डरना नहीं, पहली बार एकदम से नहीं डर गया कि यार अब कैसे होगा, छोड़ देते हैं, ज़्यादा बता रहे हैं हम लोग, कुछ और पढ़ लेते हैं, ऐसा भी नहीं। एकदम देखना ये प्रक्रिया, आज हम लोग चालू कर रहे हैं आपको टफ लग जाएगा एक हफ्ते दो हफ्ते, पर दो हफ्ते के बाद आपको मज़ा आने लगेगा आंसर राइटिंग में, और 2-2.5 हफ्ते के बाद आपको लगेगा कि यही तो करना चाहिए था, और एक्चुअल में यही आपके क्या है आंसर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, वर्ड जो है इनको अच्छे से करोगे, फिर बाकी मैं आपको और बताऊँगा। एक और होता है इसमें टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट अभी तो नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको पेपर के साथ सिखाऊंगा कि जैसे 2 या 2.5 घंटे होते हैं उसके अंदर सारे आंसर को लिखा कैसे जाता है। कई बार आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, 46 उत्तर लिखने हैं 3 घंटे में, हर क्वेश्चन के बाद आपका क्या होगा, माइंड चेंज करना होता है। कुछ बड़े क्वेश्चन होते हैं, कुछ छोटे क्वेश्चन होते हैं। बड़े क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, हो सकता है या पढ़ा होगा तो अच्छे से नॉलेज नहीं होगा। अब उन क्वेश्चन को आप लिखोगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, तो ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किन क्वेश्चन को हम पहले लिखें, किसको हम बाद में लिखें, ये आंसर राइटिंग आपको कहाँ पे हेल्प कर रहा होगा, इस चीज़ में सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग लगभग 3,000-3,500 आंसर लिख लेंगे इस पूरे 6 महीने के सेशन में। अब वो आंसर को आपको केवल पढ़ना है, याद करना है, टेस्ट देना है और उसको याद करते रहना है, और जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछूंगा उनको, उन्हीं क्वेश्चन में से 80-90% क्वेश्चन रिपीट होंगे एग्जाम में, इतना मैं बोल रहा हूँ होंगे, ठीक है। और आप बिलीव करके पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सभी चीज़ को तो पूछ दूंगा क्वेश्चन में, 4,000 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ी उनमें से हूँ जो बोला कि 10 क्वेश्चन दूंगा इसी में से आएगा, मैं 4,000 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं हर एरिया में आपसे आंसर लिखवा दिया हूँ। तो जब सभी चीज़ या मैं आंसर लिखवा दें तो उसके बाहर तो नहीं जाएगा ना यार, सीधी बात। तो जब उस एरिया से वो क्वेश्चन आएगा और आपके पास एक लिखित आंसर होगा और वो आपको याद होगा, तो डेफिनेटली आप बेटर लिख रहे होंगे, आप उतने स्ट्रक्चर को अच्छे से लिख के आ पाओगे। आपके पास पहले से डायग्राम बना होगा तो आपको पता होगा यही वाला डायग्राम बनाना है ना, तो उसको एक चीज़ रखिए। और सबसे बड़ा मूल मंत्र आंसर राइटिंग का, आंसर देख के लिखेंगे। पूरा सर बेड़ा गर्क कर दिए, क्या बोल दिए, देख के लिखेंगे। इतना अच्छी अच्छी बात है कि आप देख के लिख पा रहे हो, अभी आप सीख रहे हो, आप लर्निंग फेज में, अपने आत्मचिंतन से नहीं, कोई स्टूडेंट की दुनिया का ज्ञान आ जाएगा आपको, किताब से ही तो पढ़े हो, तो अभी बुक से देख के लिखेंगे। जितने भी आंसर क्लास में करता हूँ डिस्कस, उन क्वेश्चंस को और जाके जो असाइनमेंट लिखेंगे बुक से, या तो आप अपने नोट से देख के लिखिए, ठीक है, देख के ही लिखेंगे, ठीक है। तो देख के लिखोगे आप लोग, नोट से या किताबों से। कई लोग क्या करते हैं, आंसर राइटिंग से डरते क्यों हैं पता है, इसी कारण से। लोग क्या करते हैं, पढ़ लिए उसका, एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, अब वो क्या करेंगे, घर में जाके सोचेंगे क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। अरे कॉपी खोलो, लिखा है आंसर, लिखना भाई। तो धीरे धीरे क्या होगा, पहले लिखना सीखोगे उतने एरिया में सही कंटेंट को, फिर उसको याद करो, उसका एक स्ट्रक्चर बनाओ, और उसके बाद फिर उसका टेस्ट दो और उसी स्ट्रक्चर को जाके लिखने का प्रयास करो वहाँ पर। तो जितना जब आंसर देख के लिखना चालू करोगे धीरे धीरे ही सही, आप देखना एक दिन बहुत अच्छा उत्तर लिखने लगोगे। पहले दिन से सोचोगे नहीं आत्मज्ञान हो जाएगा और मैं लिखूंगा, तो नहीं होता है। तो अभी आंसर देख के लिखोगे। क्लास में आप जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसका बुक ला सकते हैं, नोट्स ला सकते हैं। जब मैं यहाँ से क्वेश्चन दूंगा, जैसे अभी मैंने कराया था, तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आप वहाँ लिख रहे होंगे, पहले आपको लिखने का समय दूंगा मैं, आप लिखोगे, उसके बाद फिर मैं यहाँ से डिस्कस करूँगा। कुछ क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली डिस्कस कर रहा हूँ, समय के हिसाब से देखेंगे उसको। उससे क्या होगा, आपका यहाँ पर जो आप लिखोगे वो भी मैं पढ़ूंगा। ये भी तो मेरे को देखना है कि आप लैंग्वेज कैसा लिखते हो, मैं वो सब चीज़ देखता हूँ यहाँ पर, कि भैया आपको लैंग्वेज लिखते बनता है कि नहीं, सब आपका सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो सब दिखेगा आपके क्वेश्चन के साथ। तो उन चीज़ों को भी कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप अपना बुक ला सकते हैं, जो भी बुक से पढ़े हैं, ये नहीं है कि इस कोचिंग में बैठे हैं तो इसी कोचिंग का मटेरियल होगा, नहीं, आप कहीं से भी पढ़ें, मेरे को कोई इशू नहीं होता है।
आप किसी भी कोचिंग से पढ़े हैं, आप अपना मटेरियल ला सकते हैं और यहाँ पर सामने में बैठ के आंसर लिखोगे उसी से। फिर उसमें देखो सीधी बात, उससे आपको बेनिफिट ही होगा। आपने किस मटेरियल को पढ़ा है उसमें आपने आंसर खोजा, नहीं बना या बना, फिर मैंने कुछ बताया, दो चार पॉइंट डेफिनेटली मैं ऐड करके दिया, तो आपका मटेरियल एनरिच भी हो जाएगा, क्योंकि हमको कंटेंट एनरिचमेंट भी करना है, तो आपका कंटेंट क्या होगा, थोड़ा सा सुधर जाएगा, और जो कंटेंट की कमी है। तो ये सब कुछ इस प्रोग्राम के साथ ऐड ऑन होगा, नहीं तो क्या होगा, आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं लेकिन एनरिच नहीं की और पता चल रहा है कि वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है, तो भी दिक्कत है। तो थोड़ा सा हम लोग कंटेंट भी एनरिच कर लेंगे, उससे आप प्रॉपर आंसर, आपको पता भी रहेगा कि बुक में इस पोर्शन से क्वेश्चन आया है तो इसका मैं आंसर लिखूँ, ठीक है। बाद में अभी एक दो दिन जब आप रहोगे, लिखना चालू करोगे, तब आपको दिखेगा कि अकेले नहीं हो पा रहा है सर इतना कुछ, फिर उस समय आप दोस्ती करना, यहीं पे दो तीन लोगों का ग्रुप बना लेना अपना आपस में, वो आप लोग के ऊपर, वो मैं नहीं बनाऊंगा, आप बोलोगे मेरे को बनाने तो मैं बनवा दूंगा। कि आप लोग फिर क्या करोगे, क्वेश्चन को बांट लिया करना, जैसे 30 क्वेश्चन है तो 10 आप लिखो, 10 मैं लिखता हूँ, 10 ये लिखो, तीनों लिखने के बाद एक दूसरे से आंसर एक्सचेंज कर लो, किसी का आंसर पढ़ के कोई फर्स्ट नहीं आता है, ये चीज़ को मेरा याद रखना, जो खुद लिखता है उसी से बनता है। हाँ, पर जो समय कम पड़ रहा है तो कम से कम कीवर्ड्स के ऊपर आप काम कर सकते हो, नहीं तो आप खुद लिखना चाहते हो तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, पर खुद लिखोगे तो बहुत टाइम देना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ दिन के 7-8 घंटे देने पड़ेंगे आंसर राइटिंग पे, ठीक है, कम से कम 7-8 भी नहीं तो मिनिमम 5 घंटे तो देना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें नहीं सीख रहे हो, जाके लिखोगे तब तो सीखोगे ना, ठीक है। डर लग रहा है क्लास के कारण, मत डरो, पिछले साल आप ही के जैसी एक लड़की आई थी, क्या ना, वीना तिवारी, उसने उसको छोड़ दिया था, उस क्लास को एडमिशन लेके छोड़ दिया था, और पूरा आंसर राइटिंग की और प्री निकाल चुकी है, मेंस लिख ली है बिना क्लास की, सिर्फ आंसर राइटिंग से ही, ठीक है। तो एफर्ट सही जगह में अगर डालोगे तो सही रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो एकदम से परेशान नहीं होना, हो जाएगा, क्यों कन्फ्यूज़ मत रहो, आप कन्फ्यूज़ लग रहे हो, वो चेहरे से दिख रहा है, ठीक है। मैं इधर साइकोलॉजी भी जानता हूँ, ठीक है, इधर मैं इसीलिए बैठा हूँ, ये सब चीज़ें एकदम फ्री माइंड से पढ़ो, हो जाएगा सब, सब हो जाएगा एकदम। ये अपने मन में मत बनाओ कोचिंग है वो कैसे एडजस्ट होगा, ये कैसे होगा, ये सब मत बनाओ, बस अब पढ़ाई का सोचो, ओके। चलो ये तो हो गया कि हम लोग क्या क्या करेंगे, तो नोट्स जो भी लिखोगे अभी फिलहाल देख के लिखोगे, दो तीन महीने जब आप टेस्ट को तो बिना देखे लिख ही रहे हो, तो हफ्ते भर देख के लिखो ना यार, क्या दिक्कत है। और हम लोग का मेन फोकस क्या है कि हम लोग कुछ भी करें अक्टूबर एंड तक, या वो नवंबर 5 है ना, 5 नवंबर तक, वैसे 21 अक्टूबर को क्लास खत्म हो रहा ना, तो 21 अक्टूबर तक हमारा सारा कंटेंट बन के रेडी हो जाए, सातों पेपर का हमारा पूरा आंसर्स रेडी हो, क्वेश्चंस बन जाए, सारे सब्जेक्ट्स को हम समझ लें, हमारा प्री का भी उधर टेस्ट हो ही जाएगा तब तक, तो हम प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन से पहले ही हम तैयार रहें कि हम इस साल के एग्ज़ाम में फुल फ्लैज जा रहे हैं प्रिपरेशन से। हमने मेन आंसर राइटिंग अच्छे से कर लिया है, प्री की तैयारी कर रखी है, नोटिफिकेशन आएगा फिर प्री तैयार करेंगे, 3 महीने पूरा डेडिकेटेड प्री पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्री का। प्री के बाद जब आप मेंस पे आओगे तो ऑलरेडी आपका रिटर्न आंसर होगा, तो आपको वहाँ पर मेहनत नहीं करना पड़ेगा आंसर राइटिंग में, आपके आंसर्स लिखे होंगे आप उसको याद करोगे, फिर से कोई टेस्ट ज्वाइन करना होगा टेस्ट कर सकते हो, संडे टेस्ट लिख रहे हैं, बाकी दिन आपका लिखा हुआ आंसर है, तो आप बहुत आगे रहोगे, प्री में भी आगे रहोगे, क्योंकि प्री में आप 7 सब्जेक्ट पढ़ के जा रहे हो, तो जो बेसिक क्वेश्चन पेपर 7 का जो क्वेश्चन उठा रहे हैं वो बहुत बेसिक उठाते हैं, वो हिस्ट्री हार्ड पूछेंगे आपसे, पॉलिटी हार्ड पूछेंगे, पर जो नए विषय को इंट्रोड्यूस करेंगे उसका सबसे बेसिक क्वेश्चन आएगा, आईटी एक्ट के सेक्शन 2 और 4 को पूछ रहे हैं, इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखना जो भी नया सब्जेक्ट होगा वो उसके क्वेश्चन डेफिनेटली आसान होंगे, और जो ऑलरेडी पूछे हुए सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन हार्ड होते हैं, तो ये जो 8-10 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसका आपको डेफिनेटली एज मिल जाएगा। तो प्री में भी हेल्पफुल होगा, मेंस में तो बहुत ज़्यादा होगा, और मेंस और प्री के बीच में लगभग 90 दिन का गैप है, तो 90 डेज में आप सारे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ सकते, तो अगर अभी से प्रिपेयर्ड हो गए तो ज़्यादा अच्छे से होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, कुछ डाउट तो बताइए, फिर स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। आज मैं सिर्फ थोड़ा छोटा ही क्लास लूँगा, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन कल से पूरा क्लास लूँगा ना, पूरा वो फॉर्मेट, क्योंकि शायद वहाँ 6 तारीख लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास, ऐसा कुछ लिखा हुआ था ना, तो कई लोगों का वही हो गया, आज से क्लास चालू है, कल से क्लास चालू है, बट मैं निराश नहीं करना चाहता, जो आए हैं सबको पढ़ाऊंगा ही डेफिनेटली, और कल से तो फिर मैं उसको लेके ही चलूँगा, पर अभी पढ़ाऊंगा मैं। चलो, तो किसी को डाउट कुछ पूछना है, जो भी मन में आ रहा है, संशय है, पूछ लो, अभी मत सोचो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, ठीक है ना। मैं हर तरह का विवाद और चीज़ों का बात करने के लिए तैयार हूँ, आंसर राइटिंग, प्री, मेंस, परिवार, प्रेम, सब तरह की बातें आप कर सकते हो, जहाँ पर भी आपको समस्या है। और इस सारी समस्याओं के बीच एक लाइन बोलूँगा, इसको ध्यान रखना, आप यहाँ पर किसी का भी इमोशनल लगेज उठाने के लिए नहीं आए, मेरे लाइन को अपनी ज़िंदगी का आधार बना लो।
अपने आप के लिए आए हो, अपने आप को बनाओ और आगे बढ़ो। किसी भी बंधन में बंधने का कुछ भी, चाहे घर वाले भी हों, अभी इधर कंधे में इमोशंस को नहीं रखना है, अभी केवल अपनी मेहनत को रखना है। एक दिन बन जाओगे सबका इमोशन उठाना, पर अभी इम्पॉर्टेंट है आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पीस ऑफ माइंड है ना, तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे सबसे ज़्यादा। चलो बताओ, किसी को कुछ होगा तो बात कर सकते हो यार, चर्चा नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, फिर बाद में फिर आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम में रहोगे, तो किसी कोई भी तकलीफ है। हाँ जी, हाँ जी, मैप को नहीं नॉर्मल बना सकते, और उसमें भी मैं आपको ना दो तीन वो सिखाऊंगा पार्ट वाइज मैप मेकिंग, कि कुछ हिस्से को बनाना और कुछ को छुपा देना। तो जो हिस्से वाला मैप सिखाऊंगा ना, वो आपको बहुत फायदा करेगा। जैसे कि मान लो मेरे को सरगुजा का कोई, जैसे बोलते हैं कि कोल को डिपिक्ट करो कि कोयले का कहाँ कहाँ खान है, तो मैं पूरा छत्तीसगढ़ का मैप नहीं बनाऊंगा ना, मैं केवल क्या करूँगा इतने पोर्शन को बताऊँगा, और जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा, ठीक है, उसका जहाँ जहाँ पर कोयले का खान है मैंने बना दिया। इससे समझ आ रहा है ना कि कोयले छत्तीसगढ़ का कौन सा हिस्सा है, और मैप पे तो आप लिखोगे सरगुजा और मध्य क्षेत्र के कोल के क्षेत्र, तो इतने में ही मैप आपका बन जाएगा। क्या मतलब है पूरा बस्तर बना रहे हो वहाँ पर कोयला दिखाई नहीं रहे हो, तो जितना पार्ट में चाहिए, जैसे भारत का बनाना है, वेस्टर्न घाट बनाना है, तो केवल हम इतना ही बनाएंगे ना। इससे समझ आ रहा है ना कि वेस्टर्न घाट की बात हो रही है, तो मैप क्या उतने हिस्से को दिखाएंगे जितना हमको ज़रूरी है, पूरा नहीं दिखाएंगे, तो पेज भी बचेगा, नंबर टू हम उसके बारे में अच्छी चीज़ लिख पाएंगे। डायग्राम मतलब ये नहीं होता कि खाली बना के ना, डायग्राम को लेबल डायग्राम होते हैं, लेबल डायग्राम मतलब उसके ऊपर उसके बारे में कुछ लिखना होता है तब मार्क्स मिलता है, ठीक है ना, तो डायग्राम का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ को डालेंगे यहाँ पे, अभी कराऊंगा सब चीज़ कराऊंगा। और कोई पूछो यार, बात करो, बात क्यों नहीं कर रहे, एकदम शांत है, तो छोटे बच्चे लोग हैं फर्स्ट क्लास वाले हैं, आप लोग तो मेंस के लिए आए हो, मेरे को तो सबसे मज़ा आता है इस बैच में पढ़ाने में, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ इंगेज हो पाता है, यहाँ पर पूरा विचार निकल पाता है अच्छे से। और कोई डाउट किसी को, परमेश्वर आपको नहीं है, चालू करें, ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी चीज़ों को। इतिहास, हिस्ट्री, और हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्रश्नों के साथ साथ धीरे धीरे आप डेवलप हो गए, ये बातों को मेरा अच्छे से ध्यान रखना, पैनिक नहीं करना, डरना नहीं, भाग नहीं जाना है ना, ये होता है पहले हफ्ते, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो डर जाते हैं, तो एकदम नहीं डरना है, बस आप करते रहोगे क्वेश्चन के साथ आप समझोगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ इसको, इनिशियल्स में मैं कोशिश करूँगा कि मैं पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन लाऊँ जिससे उस सब्जेक्ट का मैं पूरा आपको अंडरस्टैंडिंग दूँ, ऐसे प्रश्न होंगे जो सब्जेक्ट को पूरे विषय का आपको समझ दे देंगे, 10-12 क्वेश्चन ही, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट के विषय को अंदर जाकर जो फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन होंगे उस पे जाके काम करेंगे, ठीक है। तो शुरू के 10 क्वेश्चन लिखने में टफ होंगे, लेकिन वो आपको सब्जेक्ट के पूरे डायमेंशन को कवर करा रहे होंगे। लिखिए ऐसा प्रश्न, ऐसे कुछ प्रश्न बता रहा हूँ, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द, पहले इंग्लिश फिर हिंदी में लिखवा रहा हूँ, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड इन इंडिया, ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड इन इंडिया। लिखोगे प्राचीन ऐतिहासिक काल में भारत में हुए धर्म के विकास को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मल्टीफोल्ड एविडेंस ऑफ द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, एक्सप्लेन या डिस्कस, एक्सप्लेन ही लिखो अभी फिलहाल, हाँ, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एक्सप्लेन। देखोगे प्राचीन भारत के इतिहास को वर्णित करने वाले या प्राचीन भारत के इतिहास का वर्णन विभिन्न साक्ष्यों से हुआ है या होता है, समझाइए, कोट अनकोट करके समझाइए।
तीसरा क्वेश्चन, द एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर, द एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर इज अ शैडो ऑफ, इज अ शैडो ऑफ द प्रेजेंट इंडिया. डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट, कोट एंड कोट कोमा, डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट. देखोगे प्राचीन भारत के स्थापत्य, प्राचीन भारत की स्थापत्य कला वर्तमान भारत की परछाई है. वर्तमान भारत की परछाई, क्या आप इस कथन से सहमति रखते हैं? क्या आप इस कथन से सहमति रखते हैं? मैं आपको बेसिक क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ज़्यादा बोलिए हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, हिंदी में लिखो पहले, प्राचीन भारत का इतिहास केवल राजाओं की कहानी नहीं है, केवल राजाओं की कहानी नहीं है. चर्चा करें. द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नॉट अ स्टोरी ऑफ द किंग्स ओनली, इज नॉट द स्टोरी ऑफ द किंग्स ओनली. डिस्कस. कितने क्वेश्चन हो गए? चार हो गए ना, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, एक आध दो क्वेश्चन और कल से फिर, लेकिन पूरा पूरा कराऊंगा. ठीक है, चार प्रश्न, एक और लिखो. प्राचीन भारत के संदर्भ में, प्राचीन भारत के संदर्भ में उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र का महत्व बताइए. संदर्भ में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का महत्व बताइए. इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस. उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में महत्व बताइए. क्लियर है? ये पांच क्वेश्चन है. अभी और भी क्वेश्चन होंगे, अभी कराऊंगा मैं, लेकिन अभी पांच क्वेश्चन से पहले आपकी थोड़ी सी इतिहास की समझ को परखा जाए कि आपने इतिहास कितना पढ़ा है. बताओ कौन कौन सा क्वेश्चन पहले पढ़ो. पहला क्वेश्चन सब पढ़िए. समझ आ रहा है प्रश्न? किसको दिक्कत जा रहा है पढ़ समझने में? ये पढ़ो ना प्रश्न. क्वेश्चन नहीं लिख पाए हो क्या? सभी लिख लिए हैं? नहीं, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है. मैं कैसे बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन? हाँ, देर आर द मल्टीफोल्ड एविडेंसेस ऑफ द एंशिएंट. अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है. नहीं देखेंगे ना, रुको ना, वही तो पूछ रहा हूँ आपको. पहले मैं देखना हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग कितनी. पाँचों क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ कि पाँचों क्वेश्चन समझ आ रहे हैं. पढ़ लिए पांचों क्वेश्चन? चलो अब इसके बारे में चर्चा करते हैं. पहला प्रश्न क्या है? प्राचीन भारत धर्म का विकास. तो सब पढ़े ना एंशियंट हिस्ट्री? ऐसा कोई जो प्राचीन भारत नहीं पढ़ा है? सभी पढ़े ना. चलो लिखो इसको. मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, लिखिए. लिखो ना. अरे लिखने से नहीं डरना इस क्लास में बैठ के. लिखो, गलत लिख देना, दिखा देना, कोई चल जाएगा. यहाँ सीखने बैठे ना, यहाँ सिखाने नहीं बैठे. पहली बात तो गलत करेंगे ज़्यादा अच्छा है, सीख ज़्यादा पाओगे. लिखो इस प्रश्न का उत्तर. आराम से लो, 5-7 मिनट लो, लिखो. मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ. और आप लोग लिखो, मैं ऑनलाइन वालों से बात कर रहा हूँ. ठीक है, डिस्टर्ब मत होना. तो जितने भी ऑनलाइन हैं, ये जो ड्यूरेशन होता है जब मैं क्वेश्चन देता हूँ और उसके बाद फिर आता हूँ, इस बीच में फॉरवर्ड नहीं करेंगे.
ये टाइम आप लोगों के लिए ही है, तो आप भी घर पे स्पेस बनाओ 2 से 2.5 घंटे इस क्लास के साथ रेगुलर जुड़ा करना। 1.5x मतलब स्पीड को जो बढ़ाते हैं या 2 में बढ़ाते हैं, प्लीज़ मत करना, कुछ नहीं सीख पाओगे। नॉर्मल स्पीड में ही देखेंगे पूरे क्लास को, स्पीड बढ़ाओगे डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपको कुछ नहीं सीख पाओगे, तो स्पीड नहीं बढ़ाना। दूसरी बात है कि एरिया बनाइए, उस एरिया में बैठकर आप लोग पढ़ाई करें। जब 2-10-15 मिनट का मैं समय देता हूँ, वहाँ पर आप भी आंसर लिखेंगे, ओके। और ये 3-3 घंटे का प्रैक्टिस बहुत आगे लेके जाएगा। एकदम समझ नहीं आ रहा है क्या, याद नहीं आ रहा है? कोई बात, सोचो ना यार, कुछ भी नहीं पढ़े हो क्या? हो गया टाइम, हो गया 7 मिनट तो मिलता है आपको एक आंसर लिखने में। देखो कोई बात नहीं, जितना भी लिखें लिखा दो, कोई नहीं। पहले आपका है, मैं छोटा लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा लिखा करूँ। अब ये उत्तर नहीं है ना, पॉइंट लिख रहे हो लेकिन अब ये उत्तर नहीं है, ऐसे उत्तर नहीं लिखते, थोड़ा सा अलग जाते हैं। बाकी आप लैंग्वेज अच्छा लिखते हो, भाषा लिखना अच्छा आता है। एविडेंसेस क्यों लिखे, रिलीजन लिखना था ना क्वेश्चन 1। चलो तो एविडेंस के साथ जोड़ के लिखियो। नहीं तो उसमें रिलीजन का डेवलपमेंट कैसे बताओगे आप, तो खाली बता दोगे इसमें इस रिलीजन के बारे में बताया गया। क्वेश्चन क्या था, विकास को बताना था, डेवलप बताना था, ठीक है, उसके डेवलपमेंट को समझाना था। क्वेश्चन को पढ़ना भी है ना अच्छे से, या क्या पूछा गया है। ठीक है, आप काल के हिसाब से चलो, एक एक स्पेसिफिक जगह पर जाकर। साउथ इंडिया मिसिंग है, साउथ में भी तो हुआ ना कुछ। हिंदू नहीं, हिंदू बहुत बात है, ब्राह्मिनिकल था। रिलीजन बिकम कॉम्प्लेक्स विद कास्ट एंड वर्ण सिस्टम। कोई बात नहीं, रुको ना, अभी तो आएंगे ना, अभी तो मैं डिस्कस करूँगा ना, टेंशन नहीं लिखे। कोई अरे कोई बात नहीं, छुपाना नहीं है, आप लिख पाए हो एड्रेस तो बात पता चले ना कि लैंग्वेज कैसा लिख रहे हो। ठीक है, बस मैं एक बार आप सबका ना कॉपी पढ़ना चाह रहा हूँ कि लैंग्वेज आप कैसा लिखते हो वो देखने के लिए। धर्म घृ धातु से प्रश्न कहाँ पूछा है, इसलिए अब बेवजह का डाइवर्ट नहीं होना, क्वेश्चन जो पूछा है वहाँ रहना है। धर्म की परिभाषा नहीं पूछा, उन्होंने धर्म का विकास कैसे हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो देखेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, लैंग्वेज ठीक लिखते हो आप भी, स्पेलिंग में थोड़ा काम करो, स्पेलिंग गलत लिख रहे हो कुछ कुछ। गुप्ता पीरियड के बाद भी चला है वैसे तो, भक्तिज्म सूफिज्म तो उसके बाद भी चला है ना, तो ब्रेक नहीं वो कर देना, रोक दे रहे हो, रोको मत। ठीक है, लैंग्वेज टाइप लिख रहे हो, उतना ही लिखे, तो काफ़ी देर से लिख रहे था, तो इधर कुछ काट दिए क्या लिख के? आएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, लैंग्वेज ठीक ही है, कंटेंट नहीं आ रहा था,
कोई बात नहीं, पढ़ो कंटेंट तो मैं करा ही दूंगा ना, मतलब कह जाए रिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ कुछ है, बहुत कुछ नहीं है। चलिए पहले तो क्वेश्चन पूछ रहा था विकास को, बताओ आपकी कॉपी देख लें क्या आपको अलग, तो क्वेश्चन था कि डेवलपमेंट को बताना, तो सर रिलीजन को। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री में देखो, या तो वो सेपरेट क्वेश्चन आ जाएगा, बुद्धिज्म के बारे में बताओ, जैनिज्म के बारे में, मतलब कैपो कनेक्ट कर रहा हूँ। हिस्ट्री जो है वो थीमेटिक है, थीमेटिक मतलब अलग अलग थीम्स पे आधारित होती है, जिसमें से आपके कला एक अलग तरफ से चल रहा है, एक तरफ धर्म चल रहा है, एक तरफ राजाओं की कहानी है, एक तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, सबसे मिलकर इतिहास बढ़ा है। एक तरफ आपका क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन की, धीरे धीरे प्रशासन कैसे बदलता गया और भारत तक पहुँच पाए, तो ये सब चीज़ों की कहानी है प्राचीन भारत, एंशियंट हिस्ट्री जो है। अब रिलीजन डेवलपमेंट में देखेंगे तो अगर हम लोग वैदिक एज से पहले की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको आप देखो काल पर काल भी ला सकते थे, कि सिंधु घाटी सभ्यता से चालू हुआ प्राकृतिक पूजा। अब वहाँ पर काली मेंशन नहीं करो एग्जैक्ट किसकी की गई, वो भी बताना है। आंसर में दो चीज़ें होती हैं, पहली बात एक होता है कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है फैक्ट, तो दोनों चीज़ों को ठीक है। जैसे कि हम लोग इंडस वैली लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताएं। फिर वैदिक काल आया, वैदिक एज में अगर देखेंगे तो नेचर, प्रकृति ही हमारा माध्यम रहा, पर प्रकृति को अलग अलग रूपों से हम देखने लगे, अलग अलग देवी देवताओं के बारे में बात की, इंद्र वरुण इनके बारे में, तो प्रकृति ही था लेकिन प्रकृति को हमने एक रूप दिया। यहाँ पर धर्म विशेष नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ, पर यहाँ पर माध्यम जो था वो क्या था, हवन, धर्म को मतलब जो पूजा पाठ हो रहा था वो कैसे कर रहे थे, हिम्स रिचुअल्स ये आ गए थे, अनुष्ठान आ गए थे, परंपरा। तो ये धर्म में विकास क्या हुआ कि धर्म में पहले क्या था, लोग प्रकृति की पूजा करते, किसी भी तरीके का प्रार्थना अनुष्ठान नहीं किया करते थे, पर वैदिक एज में क्या आया कि प्राकृतिक धर्म और अनेक देवी देवताओं को रखा गया, और उसके साथ साथ यज्ञ करना प्रारंभ हुआ, रिचुअल्स प्रारंभ हुआ। ये सारी चीज़ों को मेंशन करना है तभी तो आंसर पूरा होगा। उसके बाद क्या हुआ, पुराणिक एज आया, स्पेसिफिकली एपिक वाला कौन सा, जहाँ पर रामायण और महाभारत काल आया। ठीक है, उसके हिसाब से देखेंगे तो आगे महाजनपद, जहाँ पर जैनिज्म बुद्धिज्म, यहीं पर कुछ फिलॉसफी भी दिखे, तो दर्शन को आप अलग कर लो, लेकिन आपको जैनिज्म बुद्धिज्म अभी आते हैं ना। उसके बाद आगे जाओगे कनिष्क, कनिष्क के समय में शैविज्म चालू हुआ, शिव की पूजा, और जो गुप्ता एज में जाकर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी। गुप्ता एज में आ गए तो हम लोग क्या मिला, विष्णु भक्ति और बढ़ी, अवतारवाद, विष्णु के अवतारों की पूजा करने लगे। ठीक है ना, दक्षिण भारत में देखोगे तो अलवर नैनार, छठवीं शताब्दी पल्लव के आसपास, ठीक है ना, सिक्स सेंचुरी दक्षिण भारत में क्या देखेंगे, अलवर और नैनार, क्लियर हो रहा है। और फिर उसके बाद आगे जाएंगे चोल के आसपास, तो शिव का जो लिंगम भक्ति है वो लिंगम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा। ठीक है ना, तो चोल के समय में क्या और जगह आएगा आपको, लिंगम। तो पहली बात तो था ये स्ट्रक्चर की, आपको ये सारी चीज़ों को कवर करना है और बताना है कि कैसे धीरे धीरे दर्शन का जो रूप था, जो दर्शन मतलब जो धर्म था, उसे परिवर्तन कैसे हुआ। ठीक है, पहले समझो एक बार, पहले अभी मैं आपको आंसर लिखवा ही नहीं रहा हूँ, मैं धीरे धीरे लाऊंगा आपको आंसर तक, मैं समझा रहा हूँ कि पूरे की पूरी हिस्ट्री में आपको देखो ये एक नया एंगल से आप हिस्ट्री को देख पाए, ऐसा सोचना है इतिहास को। केवल वैसे ही पढ़ते रहोगे ना कि हड़प्पा पढ़ लेता हूँ आज और कल सिंधु घाटी पढ़ लूँगा, हड़प्पा जैसे बन जाएगा पूरा इतिहास। आपको पहले कनेक्टिविटी चाहिए, आंसर तभी आपका एनरिच्ड होगा, आंसर में तभी आप विस्तृत डायमेंशन लिख पाओगे जब आप चीज़ों को कनेक्ट करोगे कि यहाँ से वहाँ तक हिस्ट्री पूरा कनेक्टेड है। जैसे मैंने अभी रिलीजन में कनेक्टिविटी आपको दिखाया, ऐसे हर पॉइंट में हम कनेक्टिविटी देखेंगे, वो पाँचों क्वेश्चन कनेक्टिविटी बता रहे हैं, और वो पाँचों क्वेश्चन मिलकर आपको पूरा इतिहास पढ़ा दे रहे हैं, वो पाँच क्वेश्चन पूरा इतिहास है, प्राचीन भारत का पूरा इतिहास वो पाँच क्वेश्चन, ये भी आपको बता देता हूँ कि वो पूरे के पूरे इतिहास का। अब धर्म तो पूरा ही समझ आ गया, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपसे स्थापत्य पूछ लिया है, एक बोल रहा है राजा की कहानी नहीं है, मतलब राजा को छोड़कर और कितने लोगों ने योगदान दिया और राजा भी कौन कौन थे, वो सारा हो गया, तो फिर बचा ही क्या। ये पाँच क्वेश्चन इतिहास है आपका एक्चुअल में, इसी पाँच क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ गए, इतिहास की हर डायमेंशन समझ जाएगी और उसके हिसाब से फिर आप चीज़ों को लिख पाओगे। ठीक है, खैर उसमें देखते हैं। तो ये तो हो गया कि एक साइड हेड्स की, मतलब आप मेन पॉइंट की कहाँ कहाँ पर हमको जाके बात करना है। अब इसको आप चाहो तो तीन पीरियड में बांट सकते थे, या नहीं भी बांट रहे हो तो नॉर्मल भी लिखोगे, लेकिन आंसर लिखते समय इतिहास में, हिस्ट्री के आंसर्स में डेट जरूर होना चाहिए। एक ने भी डेट नहीं लिखा है, महाजनपद काल छठवीं शताब्दी, वैदिक काल क्या था, या तो पूरा लिखो पहले में कि प्राचीन भारत ब्रैकेट में, प्राचीन भारत ब्रैकेट में लिखो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर कहाँ तक जाएगा, आठवीं शताब्दी ईस्वी, इस समय में निम्न रूप से धर्म का विकास हुआ,
तो आप पहली बात तो इतिहास में वो डेट को जरूर मेंशन करो ना, इतिहास है ये, क्लियर हो रहा है? तो एक चीज़ तो डेट, हिस्ट्री में आपने डेट लिखा मतलब आप ऑथेंटिक हो चुके हैं। आंसर जेनेरिक नहीं होता, जेनेरिक मतलब आप सिर्फ ऐसे कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते, आपको अपनी बातों को प्रमाणित करना है, आपको अपने आंसर्स को स्पेसिफिक करना है। अब उसके लिए एग्जांपल्स देते हैं, जैसे मैंने डेट दे दिया कि हाँ मैं इस ड्यूरेशन के बीच की ही बात करूँगा, इसके आगे और पीछे की नहीं करूँगा, समझ आ रहा है? तो एक चीज़ वो। अब इस आंसर का मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको, आप इसका एक स्ट्रक्चर अच्छा बना सकते हैं, मतलब सीख लेंगे, है ना, उसके बाद फिर हम लोग प्रेजेंटेशन आंसर सब कुछ करेंगे, आज वैसे भी डे वन है, ठीक है? तो एंशियंट हिस्ट्री जैसे मैंने बताया, प्राचीन भारत डेट दिखा, है ना, इसको इस तरीके से वर्णित किया जा सकता है। या तो आप जो मैंने डायग्राम बनाया था, एक साइड में डायग्राम बनाया था ना, तो लिख सकते हैं कि प्राचीन भारत में धर्म का विकास चित्र क्रमांक एक में देखा है, जिसको विस्तृत रूप से ऐसे समझ सकते हैं, विस्तृत रूप में जिसके बारे में नीचे बताया गया है। तो आप प्रॉपर एक यहाँ पर मैप ले लो, छोटा सा मैप नहीं मतलब छोटा सा वही वैदिक एज, जैसा से मैंने बना दिया था वैदिक एज, यहाँ पर क्या हुआ बस छोटा सा बिंदु में दूसरा एज, वहाँ पर क्या हुआ तीसरा, यहाँ लिखे चौथा पाँचवा, कि वहाँ इस तरीके से हमारे धर्म का विकास हुआ, समझ आ रहा है? फिर उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट किए, पहला जैसे इसको अपने वैदिक एज को पहला रखा है तो फर्स्ट, ठीक है, और वहाँ पर आप लिखोगे वैदिक एज का जो भी है, और फिर उसको समझाइए दो लाइन पे, एग्जांपल्स दीजिए कि क्या, सिर्फ ये मत लिखो वहाँ लिखोगे प्रकृति की पूजा की है, जैसे कि द नेचर इज़ वर्शिप्ड हियर फॉर एग्जाम्पल, कि किसकी पूजा की है, वो वहाँ पर आपको मैंशन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखे सेम ऐसा ही किए, तीसरा पॉइंट लिखे ऐसा किए, क्योंकि ये क्वेश्चन विकास में था कि कैसे धीरे धीरे धर्म का आता गया, और इसमें वैदिक एज में ये हुआ, फिर बताओगे कि इसका जब दूसरे एज में आओगे तो बताओगे कि वैदिक एज से आगे बढ़कर इस रूप में पूजा को आसान किया गया और ये चीज़ें होने लगी, फिर तीसरे में आओगे फिर बताओगे कैसे परिवर्तन हुआ, आपको परिवर्तन को समझाते हुए आना है। क्वेश्चन अगर यही क्वेश्चन दूसरा होता है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में धर्म के बारे में बताइए, तब आपका आंसर क्या होता, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आप लिख के आते आराम से कि प्राचीन भारत के संदर्भ में हम धर्म को विभिन्न रूपों से देख सकते हैं, जैसे कि शिव धर्म, शिव भक्ति, वैष्णव भक्ति, शक्ति की भक्ति, इस तरीके से आप लिख के जाते हैं। पर यहाँ वो नहीं है क्वेश्चन, यहाँ विकास है कि शुरू से लेकर आखिरी तक आओ, समझ आ रहा है? क्वेश्चन में गलती नहीं करना है, समझना बहुत अच्छे से क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन डेवलपमेंट पे था, अब आप क्या करोगे इसी तरीके से एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन, यहाँ पर आपने इसको प्रेजेंट किया, यहाँ लिख देते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन, यहाँ पर आपने जैसे वैदिक लिखा उसको आप ब्रैकेट में डालो, दूसरा आपने काल लिखा उसको ब्रैकेट में डालिए, उसके बाद जो आप उदाहरण दे रहे हैं उसको आप अंडरलाइन करिए, और इस तरीके से आपका क्या होगा चौथा पॉइंट अगेन ब्रैकेट में लिए, है ना, और जो भी एग्जाम्पल उसको अंडरलाइन किए, और इस तरीके से एक आंसर का प्रेजेंटेशन होगा। तो आपका देखो साइड्स में सारे चीज दिखेंगे, यहाँ आपने प्रॉपर प्रेजेंट किया, आपके अंडरलाइन दिख रहे, तो इसमें आपको मार्क्स मिलेगा। इसको ड्रॉ करिए साइड में, ऐसे में कुछ स्ट्रक्चर्स करवाते हुए चलूँगा। अभी मैं आज आपको आंसर्स नहीं लेके जा रहा हूँ, अभी मैं खाली इतना ही लेके जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा चीज़ सिखा रहा हूँ, सब आंसर्स बताऊँगा, ठीक है ना, और फिर जाके बुक के कंटेंट लेकर आप इसी चीज़ को भरोगे। बचपन में आता था ना कर्सिव राइटिंग प्रैक्टिस वाला कॉपी, पहले से लिखा होता था, बस बिंदु बिंदु का आप मिलाते थे, बस वही बिंदु मिलान आप करना, स्ट्रक्चर बना के मैं दूंगा, ठीक है ना, उतना मेहनत आपकी तरफ से, थोड़ा सा वहाँ पर एफर्ट डालोगे आप लोग, और कुछ टॉपिक जो आपको समझ ही नहीं आता वो मैं पढ़ाऊंगा, और मेरे को पता हो कौन सा टॉपिक है, ठीक है ना, आप वो बिलीव करके चलना कि देखना एग्जैक्ट वही टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ मैं जो आपको एक्चुअल में समझ नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे भक्ति और सूफी आंदोलन क्या था ये बस पता है, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें बहुत लोग को समझ नहीं आती, ठीक है, तो वो टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, मैं एक क्लास एनरिचमेंट के लिए रखूँगा प्रॉपर, हफ्ते में एक दिन ऐसा होगा उस दिन सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो टॉपिक एक्चुअल में टफ है, जो आप लोगों ने कभी सुना नहीं है, या जो टॉपिक में आपकी कमांड नहीं है, ठीक है। जैसे कि छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक होंगे, यहाँ पर ऐसे कुछ टॉपिक होंगे, सब सब्जेक्ट में, तो एक दिन पढ़ा रहा हूँगा, चार दिन आंसर राइटिंग कराऊंगा, और वो एक दिन जो पढ़ाऊंगा उसमें एक्चुअल में कंटेंट उस चीज़ का एनरिच कराऊंगा जहाँ पर आपको तकलीफ है, जहाँ पर सबको तकलीफ जाती है वहाँ पर, ठीक है। ये समझ आया आंसर को कैसे लिखना है? पहले ये छोटा छोटा चीज़ सीखो ना, उसके बाद फिर हम लोग एकदम डिटेल में चलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन। हाँ, तो साक्ष्य कैसे होंगे, अब इसको आप बताओ कैसे, पुरातात्विक साक्ष्य, तो उसमें पुरातात्विक में ही आप क्या कर रहे होगे, 5 से 6 सेक्शन बनाओगे, फिर स्थापत्य,
साक्ष्य कैसे हैं? सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल में ही क्या दिखेगा? न्यूमिस्मेटिक, मतलब सिक्के, क्वाइंस, ठीक है। उसी में क्या मिलेगा? मृत भांड, पॉटरीज, ठीक है। उसी में और खुदाई से क्या मिलते हैं? बहुत सारी चीज़ें जो छोटे छोटे अवशेष मिलते हैं, है ना, मूर्ति, स्टैचूज। उसके बाद आप कहा जाओगे स्थापत्य, आर्किटेक्चर, फिर आर्किटेक्चर में टेम्पल, स्तूप, ये सारे के ऊपर बात कर रहे होंगे। फिर आर्किटेक्चर के बाद जाओगे आप पेंटिंग, केव पेंटिंग, जो गुफा वगैरह थे वहाँ से स्टार्ट होता है ना, गुफा में जो साक्ष्य मिले। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, मधुबनी पेंटिंग और जो भी अलग अलग पेंटिंग्स आए, पर सुनेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो जितने भी ये एविडेंसेस हैं, इसके बाद क्या आएगा? मतलब आपके लिटरेचर, बहुत सारे ऐसे किताब होंगे जिससे ये मिल रही होंगी, तो किताबों के बारे में आप बात करोगे। फिर जो विदेशी यात्री आए उनका यात्रा वृतांत, फॉरेन ट्रेवलॉग, वो कौन कौन से थे, उसमें क्या जानकारी मिली, जैसे कि इंडिका, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण किताब होगी। तो ऐसे 5 से 6 हेड्स बनेंगे और इनके अंदर ले जाकर आप चीज़ों को समझा रहे हो। समझ आ रहा है? पहले समझो, इतिहास को एक नए रूप में समझो, ऐसे इतिहास नहीं पढ़ लेना है। और आप हर खंड पे बात करो, जैसे सिक्के लिखे तो एक सिक्के का नाम नहीं, आप बताओगे अच्छे से कि सिक्कों का, जैसे कि सिक्कों के चलन के बारे में जानकारी मिलती है, सबसे पहले पंचमार्क सिक्के मिले, उसके बाद सोने के सिक्कों का चलन मुख्य रूप से कनिष्क और कुषाण के काल में देखने को मिला, और बाद में ये सिक्के मिले गुप्त एज में। तो सिक्कों का वर्णन भी करना है और साथ ही साथ उसके उदाहरण भी देने हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे होगे कॉन्सेप्ट को 2 लाइन में और एग्जाम्पल्स भी दे रहे होगे। समझ आ रहा है? फिर सेम चीज़ आप सेकंड के ऊपर जाओगे आर्किटेक्चर के ऊपर, और उसका पूरा सीक्वेंस ऑफ हिस्ट्री में लेकर आओगे तो मार्क्स मिलता है। कितने लोगों को क्लियर हुआ? अभी मैं आज कल करवाऊंगा सारे क्वेश्चन को फिर से लिखवा दूंगा आपको, पर थोड़ा समझो पहले, ठीक है। तो इसके लिए भी अगेन स्ट्रक्चर वही रखोगे, लेकिन आप यहाँ पर कैसे डाल रहे हो कि देर आर वेरियस आर्कियोलॉजिकल एंड अदर एविडेंसेस रिलेटेड टू इंडियन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, देर आर वेरियस एविडेंसेस विच थ्रो लाइट्स अपॉन द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। विभिन्न साक्ष्य आपके भारत के इतिहास पे, भारत के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। वह साक्ष्य निम्न है। तो पहला पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। फिर उसमें लिखोगे पुरातात्विक उत्खनन से के रूप में हमें निम्न रूपों से क्या मिल रहे हैं, जिसमें से पहला सिक्के, फिर सिक्कों के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद दूसरा आप कहा जाओगे मूर्ति, फिर मूर्तियों के बारे में बात करोगे, मूर्तिकला के बारे में। फिर थर्ड हेडिंग क्या बनाओगे? मृत भांड, पॉटरीज, की कौन कौन से पॉटरीज मिले, वो एक हेड होगा, ठीक है। तो उसका आंसर कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, बाकी मैं पढ़ाऊँगा आपको अच्छे से, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से इसका हेड ले, तो एक लाइन पे यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर आप क्या लिख रहे हैं? पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल, उस पर एक लाइन दिए। आपको अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ से प्रॉपर आप क्वाइंस, यहाँ पर सिक्कों को समझाइए 2 से 3 लाइन, फिर सेकंड किसी दूसरे चीज़ के ऊपर 2 से 3 लाइन, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो एक पॉइंट में हमने बहुत सारे बता दिए, स्पेस भी बचेगा। ऐसे नहीं लिखना है तो आप क्या कर सकते हो, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्वाइंस बॉक्स में भी कर सकते हैं। आंसर बहुत प्रेजेंटेबल होना चाहिए, है ना, आपका जो उत्तर है वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होना चाहिए, तो आपने उसको प्रेजेंट किया। उसके बाद आप सेकंड गए कहाँ पर? आर्किटेक्चर। जैसे मैंने इसको क्या किया, ऐसे बना दिया, तो आर्किटेक्चर को मैं बॉक्स में बना दूंगा, टेम्पल आर्किटेक्चर, स्तूप, केव्स, या इसको साइड में पॉइंट्स पे लिख दूंगा, साइड हेडिंग्स पे टेम्पल, केव और वो, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली 15 नंबर में आएगा, बड़े में ही आएगा, ठीक है। तो उसको साइड में यहाँ पर ABC करके भी लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग उठा रहे हैं लिटरेचर, साहित्य, साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें आप उत्तर और दक्षिण दोनों को मिलाना, और उत्तर भारत दक्षिण भारत को भी, संगम के भी साहित्य को रखोगे और साथ में इंडिया के भी क्लासिकल लिटरेचर्स को रखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा आपका? फॉरेन ट्रेवलॉग, विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, वो होगा, तो उसके बारे में वर्णित करोगे, ठीक है। इसमें आपका एक चीज़ क्या जाएगा? अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, वो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का पार्ट होता है, इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, तो कुछ इस तरीके से आंसर का फॉर्मेट करोगे। अब इस फॉर्मेट में आप जब लिखोगे तो उसको अलग से दिख रहा है कि हाँ, पुरातात्विक में उसने सिक्के भी बताए हैं, अभिलेख भी बताए हैं, ये भी बताए हैं, ये भी, मतलब आपने सारे डायमेंशंस की बात की। आप अगर ऐसा नहीं करते, आप लिखते अभिलेख, और अभिलेख में भी लिखना चालू करते तो कई अभिलेख होंगे, 100 होंगे। आप लिखना चालू किया, आपका आधा आंसर आपने अभिलेख लिख दिया है, आप उतना अच्छा अभिलेख भी लिख कर, लेकिन आपको मार्क्स मिलेगा 1 या 2, क्योंकि इसने क्या बोला था, विभिन्न साक्ष्यों के बारे में बताइए,
तो यहाँ पर मैंने क्या कह रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर यहाँ पर आएगा, तो मैंने कम से कम 10 से 12 साक्ष्यों को कवर किया और सब में उदाहरण के साथ कवर किया है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका आंसर का डायमेंशन बहुत बड़ा है, समझ आ रहे हैं? जितना डायमेंशन लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा। कितने लोग को समझ आया? ये पक्का समझ आया सभी को? स्ट्रक्चर को बनाइए ऐसे अपने कॉपी में, मैं लिख बना रहा हूँ, ऐसे बनाओ कि स्ट्रक्चर से बॉक्स बनाओ, ऊपर लिखो इंट्रोडक्शन, ऐसे 2 लाइन खींच दो, पर वहाँ पर आंसर में इंट्रोडक्शन मत लिखना ना आप, उत्तर और सीधा लिखना चालू करना। मैं लिख देता हूँ, अच्छे से बना देता हूँ, प्रयास करेंगे आप लोग, और फिर तो मैं पढ़ाना चालू करूँगा, तो उसके बाद फिर मैं सब प्रयास यहीं करवाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन, अभी लिखना है केवल प्रस्तावना ना, आंसर में मत लिख देना, ताकि आपको पता रहे, उधर आंसर में मत लिखना, आंसर सीधा लिखना चालू करना, आंसर और सीधा लिखना, प्रस्तावना नाम का शब्द नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसी बना लो, 2 लाइन पे रखेंगे हम लोग, ठीक है? उसमें बताओगे कि आप क्या बताने चाह रहे हो अपने उत्तर में। फिर पहला पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, और जब आप इतिहास को के पन्ने खोलेंगे तो आपको अपने आप चीज़ें दिखेंगी, ठीक है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, क्वाइंस, सिक्के, पॉटरी, स्टैचूज, इंस्क्रिप्शन, ये चारों को आप डिटेल करेंगे। कॉपी आपकी लंबी वाली होती है ना, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या क्या लिख रहे हैं? सिक्के लिखेंगे, पुरातात्विक में लिखो सिक्के, मूर्ति, मृदभांड, अभिलेख, ठीक है? तो इसमें ऐसा लिख रहे हो क्या आप लोग? ठीक है, आंसर देखो दिखेगा कैसे वो बता रहा हूँ। ये आपका बॉक्स पे होगा प्रॉपर, अच्छे से यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होगा। उसके बाद आइए आर्किटेक्चर, स्थापत्य, ठीक है? टेंपल, अब इसमें पूरा मंदिर कला को समझाना नहीं लिखोगे कि विभिन्न कलाओं में मंदिर जैसे कि नागा द्रविड़ वैश्य बनाए गए, जिसके उदाहरण निम्न है, बस खत्म। इस क्वेश्चन में आपसे टेंपल आर्किटेक्चर का डिटेल नहीं मांगा है, कंप्लीट डिटेल मांगा है। तो आप उसको नहीं समझाओगे कि वैश्य और द्रविड़ कैसा बनता है, केवल नाम मेंशन करोगे कि ये आर्किटेक्चर थे और उसके उदाहरण देना चालू करोगे। जब क्वेश्चन अलग से आएगा कि मूर्तिकला या मंदिर को समझाइए, वो इसके बाद वाले क्वेश्चन होते हैं, सेकंड लाइन क्वेश्चन बोलता हूँ उसको मैं, अभी तो मैं आपको फर्स्ट लाइन क्वेश्चन करा रहा हूँ जो सबसे डिफिकल्ट होते हैं। इसके बाद आएंगे कौन सा, कि मंदिर के ऊपर ही आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तब हम नागा द्रविड़ और उसको समझा रहे होंगे। फिर उसके बाद उसके नीचे जाएंगे कि द्रविड़ की विशेषता बताओ, तो एक एक करके अंदर जाते जाएंगे। मैं आपको हिस्ट्री उल्टा लेके जा रहा हूँ, आप हिस्ट्री ऐसा पढ़ते हो ना, मैं आपको सीधा उल्टा लेके जा रहा हूँ, पूरा समझ के साथ हिस्ट्री का डीप में जाएंगे, ठीक है? समझना, टेम्पल हो गया, यहाँ केव हो गए, स्तूप, चैत्य विहार, उसमें से लिख सकते हो आप जो भी तीनों को, है ना? स्तूप, चैत्य विहार, या इसको अदर करके लिखना, फिर उसमें स्तूप, चैत्य और विहार समझा देना। अन्य लिखकर मंदिर, गुफा, अन्य, और अन्य में स्तूप, चैत्य और विहार कर सकते हैं। गुफाओं भी कुछ, गुफा भी क्या थे, स्तूप और चैत्य ही थे, है ना? ओके, इसके बाद लिटररी एविडेंसेस और लिटरेचर, ठीक है? अब लिटरेचर कहाँ पर आपसे बताओ, इसको भी आप अलग अलग तरीके से बांट सकते हो चाहो तो, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, या क्लासिकल लिटरेचर और ओल्ड लिटरेचर, एपिक, ऐसे भी बांट सकते हो, महापुराण या महाकाव्य, एपिक, पुराण, फिर संगम साहित्य, क्लासिकल लिटरेचर, संस्कृत के साहित्य, ऐसे करके आप भाषा के हिसाब से बांट सकते हो चाहो तो। वो आपके ऊपर है ना कि आप कितना क्रिएटिव हो पा रहे हो समय के साथ। अभी आप एकदम बेसिक लेवल में चालू किए हैं, तो इसलिए मैं अभी लिटरेचर लिखवा रहा हूँ। समय के साथ जब आप धीरे धीरे आंसर सीखते जाओगे, तब आप आराम से लिख पाओगे कि विभिन्न साहित्यों का क्या हुआ, सृजन हुआ, जिसके माध्यम से इसकी जानकारी मिली, जैसे कि संस्कृत के साहित्य, 2 का उदाहरण लिखे, कॉमा, देयर आर वेरियस लिटरेचर्स विच थ्रो लाइट्स अपॉन द इंडियन हिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल द संस्कृत लिटरेचर, 2 का नाम लिखे, कॉमा, उसके बाद फिर क्या लिख दिया दूसरा, तमिल लिटरेचर, तो संगम एज के 2 लिटरेचर का नाम लिख लिए। उससे आपका आंसर बहुत ऊपर लेवल में चला जाएगा। एग्जामिनर सोचेगा कितना जल्दी इंसान स्विच कैसे कर पा रहा है, जो आंसर लिख रहा है ये लड़का इतना जल्दी, या लड़की कितना जल्दी स्विच कैसे कर पा रही है, कि वो संगम को भी सोच पा रही है, उसी समय संस्कृत को भी सोच पा रही है, ये बड़ी बात होगी आंसर में।
ठीक है ना, उतना जल्दी हिस्ट्री किसी को रिकॉल नहीं होता है, पर आपके आंसर फ्रेम होगा तो आप रिकॉल कर जाओगे, ये बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है ना। वो उस टाइम पे ये कर पाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। इसके बाद यात्रा वृतांत, फॉरेन ट्रेवलॉग यात्रा वृतांत, क्लियर है, तो उसको फिर आप अपन आराम से एक दोनों का नाम लेके कर सकते हो। तो देखो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आंसर, हर जगह पे चीज़ें सही तरफ से प्लेस्ड हैं, पॉइंट सही नजर आ रहा है, और लास्ट में कंक्लूजन कर दोगे। तो ये करना होगा, ठीक है ना। जब साहित्य लिख रहे हो तो उसमें आप उसको भी लेके जाना, साइंटिफिक जो है आर्यभट्टिया वगैरह लिख दिए तो लिख देंगे, किससे इससे पता चलता है कि साइंस का भी डेवलपमेंट काफ़ी कुछ था। आप लिटरेचर मतलब आपको खेलना है कि मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कैसे दे पाऊँ, इससे आपको मेजर उस जगह के बारे में जानकारी मिल जा रही है, इससे पूरे स्थापत पूरे भारत में जो दिख रहे हैं उसकी जानकारी है। साहित्य से आप प्रशासन के बारे में बात कर दो, अर्थशास्त्र जानबूझ के यहाँ पर डालो, यहाँ पर आप साइंस का लिटरेचर डालो कि यहाँ पर साइंस का क्या हो रहा था, संगम साहित्य डाल दो, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर डाल दो, तो 4 से 5 चीज़ों का विकास समझ जाता है। एक आध रिलीजन की किताब डाल दो कि धर्म का भी विकास हुआ, धर्म संबंधित किताब, तो आपको खेलना है ना। आपको हिस्ट्री के सारे डायमेंशन इस आंसर में डालने हैं, वो आपके ऊपर होगा, धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये हुआ, अब देखो ये आंसर स्ट्रक्चर दिख रहा है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, और आप बताओ इसमें हमने कोई भी बतौलेबाजी नहीं है, बतौलेबाजी हमने कुछ किया ही नहीं, हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट चीज़ों को लिख के आ रहे हैं। और इस आंसर में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा तो किसी में नहीं मिलेगा, वो देगा, वो फोर्सफुली देगा ना, क्योंकि उसको दिख रहा है कि पहली बात तो कॉइन, स्टैचू, पॉटरी, इंस्क्रिप्शन, टेम्पल, केव, तो वो पहले तो इतने राइट लगाएगा, तो यही आपके क्या हो गए 8 नंबर हो गए। अंदर जो लिखे उसका मार्क्स तो आपको अलग मिलेगा, उसका जो अंदर आपने लिखा उसका मार्क्स तो आपको अलग मिल रहा होगा। आपके कीवर्ड्स जो है जो वो खोज रहा होगा, जो उसके उत्तर में होगा वो आपके सामने दिख रहा है, उनके पास भी उत्तर होगा, तो साक्ष्यों के बारे में बताओ कि ये सारे साक्ष्य होंगे, किसी भी किताब से उन लोग आंसर बनाएंगे, यही तो होंगे ना उनके साक्ष्य, तो आपके में भी दिख रहे हो सारे चीज़, बस अंदर का आपका एग्जाम्पल सही होना चाहिए, और इस तरीके से मार्क्स मिलते हैं। समझ आया, दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर, ऐसे आंसर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अभी और चीज़ को सीखेंगे हम लोग एक एक करके। अगला प्रश्न क्या था, इसको बना लिए, पहले थोड़ा प्रेजेंटेशन को सीखो आप लोग, उसके बाद हम लोग आंसर में चलेंगे आगे। प्रेजेंट इंडिया, हाँ ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया, खैर कोई नहीं बताऊंगा, हाँ और आगे उसके बाद चौथा बताओ, मैं कराऊंगा, बताओ आज मैं छोटी क्लास दे रहा हूँ, कल मैं आपको सारा कराऊंगा, यहाँ से ये 5 क्वेश्चन को फिर से करा दूंगा, 5 तो दिन तो करा ही दूंगा ना, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ वो केवल राजाओं की कहानी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि राजा के बारे में कुछ नहीं लिखोगे, क्योंकि जो भी लोग हिस्ट्री में कंट्रीब्यूट किए होंगे राजा को छोड़े, वो राजा के दरबार में रह के ही किए हैं, उसके प्रोटेक्शन में ही किए हैं, तो राजा को एकदम से हटाना नहीं है। राजा आपका आंसर का कंक्लूजन होगा, बैलेंस कर रहा होगा, पर पहले लोगों के बारे में बताओगे, दार्शनिक कि दार्शनिक लोग आए, उन्होंने दर्शन के माध्यम से कैसे भारत में वो किया, है ना। उसके बाद जो क्या हो रहा है, गणित और साइंस से सबसे जुड़े हैं स्कॉलर्स बोलते हैं जिनको, वो लोग हो गए। फिर कुछ आपके प्रमुख सेनापति वगैरह भी हुए, फिर कुछ मतलब जिनको बोल सकते हैं एबल मिनिस्टर्स या डिप्लोमेट्स, जैसे कि चाणक्य थे, ठीक है। तो अलग अलग बहुत सारे लोगों ने इतिहास को कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है ना। धर्म विशेष व्यक्तित्व, फिर कुछ आप बताओगे कि साहित्य वाले भी लोग थे जो लिटरेचर में आप बहुत कंट्रीब्यूशन किए, कालिदास वगैरह कैसे छोड़ सकते हो आंसर में, नवरत्न को कैसे छोड़ सकते हो। तो अलग अलग क्षेत्र से किस किस क्षेत्र से लोग थे, और उन सभी क्षेत्रों में जो आज भारत का विकास दिख रहा है उनमें उन लोगों का योगदान रहा है। दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द फील्ड फ्रॉम वेयर दे बिलोंग्स टू, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलर्स, राइट, फ्रॉम द एबल मिनिस्टर्स, द डिप्लोमेट्स, द फिलोसोफर्स, द नोबल्स, ठीक है, द लिटरेचर्स वाले जो हैं पोएट्स जो पोएम वगैरह लिखते हैं, साहित्य सृजन करते हैं, ये सारे लोग, इन सब का वृतांत। और इसके बाद फिर लिखोगे इन सभी से भारत के इतिहास की पहचान है, परंतु यह सभी राजाओं के संरक्षण पर ही या राजाओं के दरबार में ही रहकर ये सीखे। तो किसी भी तरीके से हम राजा के बिना इतिहास नहीं है, राजा का भी बहुत बड़ा महत्व है, पर यह प्रश्न राजा की ओर झुका हुआ नहीं है, ये प्रश्न उनके ऊपर झुका हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं लिख दोगे कि राजा ने कुछ नहीं किया, राजा के बिना तो इतिहास होता ही नहीं ना। तो कंक्लूजन में आप बैलेंस कर रहे होगे राजा के साथ,
कि ये जो भी लोगों ने साहित्य सृजन सब कुछ किया ये महान शासकों के दरबार में रहकर ही किए, जैसे कि अशोक के दरबार भी है, उनके कनिष्क के दरबार में वासुमित्र और ये तो इस तरह के, समझ आ रहा है? जैसे कि आपका आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में एजिसलियस जो कि आपका कहाँ था, कनिष्क के उसमें था, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया उसने, स्तूप बनवाए। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों के नाम आप लिख सकते हैं, वो भी इतिहास किस लेवल में पढ़े हो तो मैं कल चेक करूँगा, डीप तब मैं कर ले जाऊँगा। आज मैं आपको समझा रहा हूँ कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है। अब गलती क्या होता है बता रहा हूँ, आप किताब क्या चुने होंगे इतिहास के लिए मैं बताता हूँ, महेश बर्णवाल होगा, या तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा महेश बर्णवाल होगा लोगों के पास, उसको हटा देंगे तो फिर कोई सी कोचिंग का किताब होगा, एनसीईआरटी की किताब नहीं पढ़ेगी। एनसीईआरटी की किताब का नाम क्या है, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और ये क्या है, ये थीम है, ये इतिहास के थीम है कि इतिहास कैसे है, भारत क्या है। आपने भारत का इतिहास थोड़ी पढ़ा, आपने राजा को पढ़ लिया कहानी, भारत क्या हो तो आप अभी देख रहे हो, पढ़ना चाहिए था हिस्ट्री में, ये पढ़ गया हिस्ट्री कुछ और, तो क्या होता है, इसलिए फिर आंसर लिखते समय वो याद नहीं होता है, क्योंकि राजा दर राजा आपको याद है इतिहास, आपको इतिहास दूसरे परिप्रेक्ष्य में याद नहीं है, हिस्ट्री आपको इस तरीके से याद नहीं है। तो वो फ्रेमिंग पहले हमको करना ज़रूरी है, और हर सब्जेक्ट में ऐसा होगा, पहले मैं आपको पूरा सब्जेक्ट क्लियर करूँगा इस तरीके से, फिर डीप लेके जाऊँगा छोटे छोटे फैक्ट की ओर, और एक क्लास तो पूरा फैक्ट पे ही होता है, फिर उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे, कुंभ मेला के बारे में लिखें, रत्ना रास तरंगिनी के बारे में बताइए, कनिष्क के कोई पांच उसके समय में जो नोबल थे उनके बारे में बताइए, ऐसे क्वेश्चन एकदम बेसिक, नवरत्न की व्याख्या करें, जो आपको क्वेश्चन बन जाएगा लिखते, वो तो लास्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन, पर वो क्वेश्चन भी जब इसको आप सीखोगे तो इससे आप उसको बहुत अच्छा एनरिच कर पाओगे। अब क्वेश्चन आएगा नवरत्न की व्याख्या करें, तो कह लो लिखेंगे चंद्रगुप्त दो के दरबार में नवरत्न है, ये नवरत्न निम्न है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, चंद्रगुप्त के दरबार में 9 प्रमुख लोग थे जो कि, और उसको भी आप लिख सकते साहित्य के क्षेत्र में, तो आप अपने आंसर को डायमेंशन दे सकते हो जब आपको ये सोच पाओगे, हिस्ट्री को ऐसे सोचना होता है, जब इतिहास को जब ये सोच आपके अंदर डेवलप होगी तो इतिहास आपका अच्छा होगा। क्लियर हो रहा है? तो ये मैं करके दूंगा आपको, और सातों पेपर में दूंगा, आप देख लेना, 7 पेपर जब कंप्लीट हो रहा होगा आपको हर सब्जेक्ट का एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग होगा, और जब जितना अंदर का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आते जाएगा उतना आंसर आसान होते जाएगा, समझ रहे हैं ना? अब देखो क्वेश्चन यहाँ से छोटा छोटा आता है, अब क्या पूछ लेगा कि प्राचीन भारत के या वो एक नवपाषाण युग कहीं कहीं पूछेगा, उस समय के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में बताओ, पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में बताइए, प्राचीन भारत या उसमें दे देगा नवपाषाण या उस पाषाण युग के पुरातात्विक अवशेषों के बारे में एक विस्तृत जानकारी दीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन यही आएगा, बना हुआ है, यही हेड्स को तो लिखना है वहाँ जाके, क्लियर हो रहा है? भारत में स्थापत्य कला का एक संक्षिप्त विवरण दें, कितने नंबर में आया, 8 नंबर में, मूर्ति हेड्स आपकी क्लियर हो जाएंगे, वहाँ पर आप सोचोगे नहीं, आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे कि ये 3-4 चीज़ों के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। एक बात प्रश्न आया, ये प्रश्न मैं हर बार पहले कराता था, अभी कराऊंगा आप लोगों को भी, कि भारत की संस्कृति में बुद्ध धर्म का या बुद्ध का क्या योगदान रहा, व्हाट रोल डज द बुद्धिज्म प्लेज इन द आर्किटेक्चरल इन द डेवलपमेंट ऑफ और द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया सांस्कृतिक में। तो जब तक आप, फिर उसके बाद होता कि गौतम बुद्ध की जानकारी जन्म बता रहे हैं लोग, यहाँ से देखो संस्कृति निकल कर आएगा, स्थापत्य कला में योगदान, साहित्य सृजन में योगदान, धर्म के विकास में योगदान, भाषा में योगदान, एक नया भाषा पाली भाषा का प्रचार हुआ, लिपियों का प्रचार हुआ, इंस्क्रिप्शन में है लिपियों के वहाँ पर क्या किए, फिर उसके बाद तो इस तरीके से आप सोच पाओगे, स्तूप ये सब बना, तो हिस्ट्री के ये डायमेंशन सोचने आने चाहिए। टॉपिक सिर्फ वो नहीं होता, आंसर राइटिंग थोड़ा अलग होता, प्रश्न ही अलग आते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि नहीं रेगुलर पढ़े हैं वही लिख देंगे, कल्चर में वो योगदान बताओ तो पहले तो खूब लिख रहे गौतम बुद्ध के बारे में, तो प्रश्न तो पूछा ही नहीं है ना, प्रश्न कुछ अलग ही लेवल का है, समझा रहे? तो अब कल्चर के अंदर जब पूछेगा तो हमको क्या लिखना है, समाज पे पूछेगा तो हमको क्या लिखना है, संस्कृति पे पूछेगा तो हमको क्या लिखना है, संस्कृति ही कल्चर है, ठीक है ना? तो उसमें से भी कुछ कुछ ऐसे हेड्स होते हैं, जैसे कि आपको मान लो किसके ऊपर पूछ रहे हैं, समाज के ऊपर पूछ रहे हैं, सोशल या सोसाइटी, इतिहास में किसी भी समाज के ऊपर पूछ रहा है, मौर्यकालीन समाज के बारे में बताइए, गुप्तकालीन समाज के बारे में बताइए, समाज की अवधारणा कैसे होगी, सबसे पहली बात
पितृसत्तात्मक है कि मातृसत्तात्मक है? सभी पितृसत्तात्मक है। तो समाज का मुख्य रूप से स्वरूप क्या था? तो पितृसत्तात्मक पहला उसको समझाओगे कि किस स्वरूप में था या कैसा चल रहा था। उसके बाद नारियों की दशा, पोजिशन ऑफ वुमेन, वुमेन्स किस तरीके से थी वहाँ पर, महिलाओं की दशा, ठीक है। उसके बाद वर्ण और जाति व्यवस्था, समाज का हिस्सा था जाति और वर्ण व्यवस्था, धर्म, तो ये समाज की बात कर रहे हैं। संस्कृति में आएगा क्वेश्चन कि उस समय की संस्कृति के बारे में बताइए, साहित्य, स्थापत्य, मूर्तिकला, समझ रहे हैं, भाषा, इसमें एक अन्य बनाओ, समाज में अन्य बनाओ, और समाज का हिस्सा क्या है, संस्कृति, तो उसमें लिखोगे सांस्कृतिक रूप से उत्थान हुआ जैसे कि इन क्षेत्रों में हुआ। तो ये चार को समझाए, एक लिखे संस्कृति और लिखे यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से भी इन इन क्षेत्रों में ये उत्थान हुआ, यहाँ संस्कृति पूछा, इसके हेड्स अलग बना लिए। ये अगर क्लियर हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, किसी भी प्रश्न का आंसर बन जाएगा। अर्थव्यवस्था पर क्वेश्चन आ गया, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए, तो सोचना नहीं है, एकदम दिमाग दौड़ाना है कि अर्थव्यवस्था के चार कारक, कृषि, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तृतीय क्षेत्र उत्थानी, कृषि, उस समय व्यापार चल रहा था तो कृषि व्यापार के क्षेत्र में उद्योग, राजस्व, बनाओ हेडिंग, सबके बारे में लिखो, ये चीज़ को सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। और ऐसे हर सब्जेक्ट में बहुत सारे, जब इतिहास का तो ये दो पन्ना है बस, अभी जो बताया मैंने, ऐसे 100 पन्ने हैं। तो जैसे इस चीज़ों के ऊपर आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका आंसर अच्छा हो जाएगा, प्लस आपके प्री के फैक्ट भी क्लियर हो जाएंगे, प्री के फैक्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे जब आप इस तरीके से पढ़ना चालू करोगे। इसमें सिर्फ ये नहीं हुआ कि आपका केवल मेंस का आंसर कर कंप्लीट हो, नहीं, आपके प्री के भी एक एक फैक्ट क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, समझ आ रहा है। तो प्लीज़ इस वे में पढ़ेंगे, एक दो दिन लगेगा टफ, हो सकता है एक हफ्ता टफ लगे, पर कंट्रोल करना अपने इमोशंस को, डरना मत, और सीखोगे जरूर। बुक लेके आएंगे, बुक देख के लिखेंगे, पढ़ के आना, पढ़ के आ जाइए, मैं ये भी आपको लिबर्टी देता हूँ कि कल आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ के आ जाओ, ताकि यहाँ आके आपको आंसर समझ आए, है ना। आप अगर ये दिक्कत जा रहा है, पढ़ के आने के बाद किताब भी ले आना कि यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ा है मैंने, क्वेश्चन दूंगा उसको वहाँ से खोज के लिखना, लिखने के बाद पूरी जानकारी आ जाएगी, घर जाके उस आंसर को लिखोगे, है ना। और ये पाँचों आंसर को ट्राई भी करना घर जाके, अभी अपनी नॉर्मल कॉपी में, फिर बाद में असाइनमेंट कॉपी में करना चालू करेंगे। आज मैं तो दिया नहीं हूँ, कल से दूंगा प्रॉपरली आपको क्वेश्चंस भी, और क्लास में भी पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। कल से 4-5 क्वेश्चन नहीं होंगे, 20-25 क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा, थोड़ा सा फास्ट रहूँगा, इससे थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ मैं, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा 110 क्लास का सेशन है, तो काफ़ी क्लासेस है। प्री के बाद होता है 55 क्लास का सेशन होता है, थोड़ा बहुत तेज़ चलना पड़ता है, आप लोग के साथ थोड़ा धीरे चल सकता हूँ, ठीक है। कल से आप लोग 2-3 चीज़ों करोगे, पहली बात, आप सभी के हाथ में सिलेबस होना चाहिए, प्लीज़ क्लास में लेकर आएंगे, ताकि मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, मेरे पास भी सिलेबस होगा, जो टॉपिक में क्वेश्चन नहीं होगा तो आप बोल सकते हैं कि ये टॉपिक बचा है, या मैं इसको इंटेंशनली छोड़ रहा हूँ तो मैं आपको बताऊंगा किस टॉपिक को इस बार के लिए छोड़ दो, वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा ना, क्लियर है। तो आप प्लीज़ सबको एक सिलेबस लेकर जरूर आएंगे, और ऐसे सिलेबस की 3 कॉपी बनाओ, मैं हर बार बोलता हूँ कम से कम 3 कॉपी बनाओ, एक आपके बैग में डाल देना जो क्लास में हमेशा हो, एक कॉपी आपके टेबल में रख लेना जहाँ पढ़ते हो, इस टॉपिक को मैंने पढ़ा है टिक कर देना, इस टॉपिक का आंसर हो चुका है भाई, टैली कर लेना दोनों में कि यहाँ मैंने क्लास में पढ़ा दिया, वहाँ आपने पढ़ लिया है, और एक तीसरा रखना जिसमें आप रिवीजन के लिए टिक करना कि इसको मैंने रिवीजन कर लिया है, इससे पता रहेगा कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। नहीं तो कभी क्या होता है केवल क्लास से पढ़ लिया, घर में जाके लिखे नहीं तो टिक मत करो ना, फिर तो रिवीजन फेस में तो जाएगा ही नहीं, तो आपको पता रहेगा कि मैं एक्चुअल में कितना प्रोग्रेस कर रहा हूँ। कई लोग इसको बेतुके मजाक करेंगे, क्यों 3 सिलेबस देना है 2 लेना, बोलने तो, और उससे मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं एक्चुअल में मेहनत कहाँ कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें जो है ना, यही अधिकारी बनाती हैं। ऑफिसर का काम क्या है, फाइल मैनेज करना, उसको देखना। तो अभी पहले आप सच में अपने बुक किताब को फाइल जैसे मैनेज करना सीखो, आपको पता होना चाहिए मेरा प्रोग्रेस कहाँ चल रहा है। अनटिल और अनलेस आप जब उस प्रोग्रेस को नहीं समझ पाओगे, तब तक आगे बढ़ पाना दिक्कत हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो प्लीज़ एकदम ऑर्गेनाइज रहेंगे सभी, मैं भी कल से ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहूँगा, ठीक है, आज मैं उधर से आ गया, बात अलग है। तो आप सभी पहली बात तो एकदम ऑर्गेनाइज रहोगे, दूसरी बात अगले 6 महीने तक मैं नहीं चाहता कि आप कोई नेगेटिविटी बात करते हो या नेगेटिव फैलाते हो या नेगेटिव सोचते हो,
बस पॉजिटिव रहो, हमारा एग्ज़ाम निकलेगा, ये फिक्स है निकलेगा। इस अप्रोच से जाएंगे, डाई हार्ट अप्रोच होगा, लिखेंगे दिन रात लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रेस्टलेस लिखेंगे। मैं अपने टाइम पे लिखा हूँ, क्योंकि 9-10 घंटे तक लिखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिखे हैं, 8-9 घंटे तो लिखा ही है एक एक दिन में, और लिखाता है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखाता, और मज़ा आने लगता है। अभी नहीं आएगा मज़ा, 2-3 दिन टफ़ लगेगा, यार ये तो बहुत बोरिंग सा लग रहा है या बहुत टफ़ है, पर जब 4-5 दिन 1-2 दिन अपना बैरियर आप ब्रेक करोगे ना, कि 6-7 घंटे आप लिखे हो, फिर क्लास आए हो, फिर जाके लिखे हो, उसके बाद आपको अपने ऊपर, खुद के ऊपर ना गर्व होने लगेगा, प्राउड फील करोगे कि हम एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को लेकर, अब जो भी हुआ प्रीलिम्स में आपका पिछला वो 12 फरवरी की कहानी थी, आज हम 5 जून में हैं, और अब खुद देख लो कि 12 फरवरी के बाद आज 5 जून तक आपने कितना पढ़ाई किया है और क्या किया अपने समय के, आपने अपने समय को यहाँ बर्बाद किया है या यूज़ किया है, वो आप देखो। तो अब नहीं कर सकते, क्योंकि 7-8 महीने बचे हैं, बहुत लोग अभी देखो मेंस लिख रहे हैं, उस मेंस लिखने वालों में से जो भी, अगर 3,000 लोग लिख रहे हैं उसमें से केवल पास कितने लोग होंगे, 200 कुछ सीट है, 210 ऐसी है ना, 210 लोग ही पास होंगे, बाकी फिर से मेंस लिखेंगे, मतलब प्री फिर से लिखने आएंगे, तो कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो बात यह है कि लेकिन अगर हम तैयारी कर लें पहले अक्टूबर तक, तो हम भी उनसे एक लेवल ऊपर होंगे, क्योंकि वो मेंस से निकलेंगे, फिर वो थोड़ा रेस्ट करेंगे, और देखना बहुत लोग रेस्ट नहीं करेंगे। मैंने आपको बोला ना कि बहुत लोग एडमिशन करा लेकिन क्लास नहीं आए, तो देखना अगले हफ्ते से आने लगते हैं, बहुत सिंसियरिटी से करते हैं कुछ लोग काम। तो इसलिए आप अर्ली चालू किए हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही समय में चालू किए हो, बस इस साल को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। बाकी हर पल में मैं रहूँगा साथ, इस बार बेस्ट है कि आंसर राइटिंग क्लास लगभग पूरी मैं ले रहा हूँ, पिछले बार एक आध सब्जेक्ट और भी टीचर लेते थे, साइंस को नहीं लूँगा मैं, साइंस और मैथ्स, अप्लाइड बिहेवियर लूँगा पर, ठीक है ना, बाकी उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है सभी मैं ले लूँगा लगभग, ठीक है ना, मतलब मोर देन 90% सिलेबस मैं ही पढ़ाऊँगा, तो आपको वहाँ पर एक भी जगह पर डाउट नहीं होगा, क्लियर है। चलिए फिर कल मिलते हैं, और जोश जुनून से आना, हंसते हुए, थोड़ा सा इतना टेंशन अभी तक रखी हुई है, चलो थैंक यू ऑल।